हेलो अंकल नमस्ते आंटी मेरा नाम है लड़की मैं ना आप सब कैमरा के पीछे वाले जादूगरों की बहुत बड़ी फैन हूँ डायरेक्टर अंकल प्रोड्यूसर आंटी कितनी शानदार वेब सीरीज बनाते हैं आप लोग टू गुड इतना ह्यूमर कहाँ से लाते हैं आप इतना इमोशन कैसे क्रिएट करते हैं आप इतनी मस्ती, वाह! स्क्रीन कहा से लाते हैं आप लोग न मेरे शरीर की कोई रिस्पेक्ट न मेरे मन का कोई मोल बस गंदगी में लिपटे हुए निरर्थक शब्द और निर्वस्त्र दृश्य इसे आप कहते हैं कंटेंट आप तो देखने वाले अपराधों को उकसा चले जाते हैं पर बलि चढ़ती है हम बेटिया तीन साल की आठ साल की बारह साल की बेटिया एक मिनट आपके घर में भी तो बेटी होगी ना तो आप ऐसा क्यों करते हैं साफ सुथरा कंटेंट भी सोशल मीडिया और ओटीटी पे बनाते ही हैं लोग सब देखते हैं तो आप ऐसा क्यों करते हैं पैसे के लिए ना कैसे कैसे शब्द लिखते हैं आप कैसे कैसे कॉस्ट्यूम्स कैसे कैसे सीन्स शर्म नहीं आती दया नहीं आती आप तो अपनी फिल्म दिखाकर निकल लेते हैं लेकिन आज सुनिए देश के दुश्मन हैं आप लोग कंटेंट क्रिएटर नहीं बेटियों के किलर हैं आप लोग देश के विलन हैं आप लोग हम लड़कियों की रिक्वेस्ट है प्लीज प्रोवोकेटिव और अश्लील फिल्म्स बनाना बंद बन कीजिए प्लीज चेंज योर स्क्रिप्ट्स चेंज योर डायरेक्शंस OTT and social media are not your license to exploit us. Save the culture. Save the nation. A call to retrieve the nation from the menace of rapes and cultural attacks on our civilization by misuse of OTT and social media platforms, films, and pornography promotion. Let us wage this battle together. An initiative by Uday Mahurkar, author and historian. को नमस्कार कुछ ही समय में हम कार्यक्रम को प्रारंभ करने वाले हैं पहले हलाल केवल मांस तक ही सीमित था परंतु अब शाकाहारी पदार्थ गृह संस्था औषधिया सौंदर्य प्रसाधन आदि के लिए भी व्यापारियों को हलाल प्रमाण पत्र लेने हेतु बाध्य किया जा रहा है मंदिर का प्रसाद भी अब हलाल हो गया है अब हलाल डिजिटल करेंसी अर्थात जाल स्थल के माध्यम से लेन देन की जाने वाली मुद्रा भी चालू हो चुकी है इस हलाल प्रमाणीकरण से होने वाली करोड़ों रुपयों की आय कुछ इस्लामी संगठनों के जेब में जा रही है यह देश में समानांतर अर्थव्यवस्था स्थापित करने का षड्यंत्र ही है हिंदू जागृति समिति ने वर्ष दो से हलाल अर्थव्यवस्था के विरोध में अभियान आरंभ किया 9 अक्टूबर दो को मुंबई में हलाल शक्ति विरोधी परिषद संपन्न हुई जिसका उद्देश्य था हलाल प्रमाण पत्र व्यवस्था बंद हो हलाल प्रमाण पत्र शक्ति विरोधी परिषद के उपरांत प्रत्येक जिले में हलाल शक्ति विरोधी कृति समिति स्थापित हुई इस समिति में हिंदुत्व निष्ठ संगठक व्यवसायी धर्माभिमानी नागरिक सम्मिलित हुए इस समिति ने हलाल प्रमाण पत्र व्यवस्था तत्काल बंद करने के लिए आवाज उठाई समिति की ओर से हलाल जाप के विषय में जन करने हेतु पूरे देश में अनेक स्थानों पर व्याख्यान दिए गए हलाल प्रमाण पत्र एक षड्यंत्र इस विषय पर चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रेस क्लब व्यापारी मंडल जैसे विशेष स्थानों पर आयोजित किए गए। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे द्वारा संकलित हलाल जिहाद यह ग्रंथ सात भाषाओं में प्रकाशित हुआ इस ग्रंथ में तथ्यों के साथ उदाहरण सहित यह समझाया गया है कि हलाल प्रमाणीकरण किस प्रकार शरीयत आधारित इस्लामी अर्थव्यवस्था की नींव है इसी के साथ कैसे यह षड्यंत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट बनता जा रहा है अब तक इस ग्रंथ की चौरासी सौ ऐसी अधिक प्रतिभा कितनी शानदार सीरीज बनाते हैं आप लोग? भारत में मैकडोनल्ड बर्गर किंग केए हल्दीराम आदि प्रतिष्ठान ग्राहकों को केवल हलाल उत्पाद ही देते हैं इसीलिए हिंदुत्व तो निष्ठों ने इन प्रतिष्ठानों को निवेदन देकर चेतावनी दी कि हलाल मुक्त अन्न पदार्थ उप... तो आइए इस कार्यक्रम के पहले कुछ सूचनाएं आपके लिए है आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें कार्यक्रम के दरम्यान हम सभी अपना मोबाइल वाइब्रेट मोड पर रखेंगे कार्यक्रम के अंत में आपको इस स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखाई देगा उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद एक फीडबैक फॉर्म आपको दिखाई देगा वो फीडबैक फॉर्म आप अवश्य भरे जिससे इस अभियान में आप 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 जुड़ सकते हैं के के बाद अभी लाभ ले सभागृह में धर्म विभिन्न विषयों पर आधारित ग्रंथ प्रदर्शन किया गया है तो आप इस ग्रंथो का भी अवश्य लाभ ले सकते हैं आइए आज इस कार्यक्रम के मान्यवर को गैस पर निमंत्रित करते हैं सेव कल्चर है। सेव भारत फाउंडेशन के, के फाउंडर श्री उदय महुरकर जी हिंदू जनजागरण समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे जी और सीनियर जर्नलिस्ट पार्थिव गोयल शर्मा इन्हें मैं व्यास पर आमंत्रित करता हूं आइए छत्रपति शिवाजी, शिवाजी महाराज के जय जयकार के, के साथ माननीय वक्ताओं, वक्ताओं का स्वागत, स्वागत करें, करें। सभी को नमस्कार आज, आज के मान्यवर वक्ताओं का व्यास की हो चुका है राष्ट्र तथा भारतीय संस्कृति रक्षा हेतु यहाँ पे उपस्थित थी तभी राष्ट्रवीरों को मेरा नम्र नमस्कार आप, आप सभी यहाँ पे, पे उपस्थित हैं आपका यहाँ इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन जेम्स ऑफ बॉलीवुड तथा हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, में आपका, आपका स्वागत, स्वागत है, है। OTT, तथा, तथा फिल्मी फिल्मी के 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 बलात्कारों का मुख्य कारण इस विषय पर आज का यह कार्यक्रम रहेगा इस कार्यक्रम का प्रारंभ हम श्री गणेश जी का श्लोक कहकर करेंगे श्री गणेश जी का श्लोक हम एकत्रित कहेंगे वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ हे देव विघ्नं मे देव सर्वदा अब बाल बात में दीप प्रज्वलन, प्रज्वलन होगा आने मैं मान्यवर वक्ताओं से विनती करती हूँ कि आप दीप प्रज्वलन, प्रज्वलन करें सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन के संस्थापक तथा फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर माननीय श्री महुरकर जी सीनियर जर्नलिस्ट तथा था फाउंडर ऑफ जेम्स ऑफ बॉलीवुड के माननीय बाबा गोयल शर्मा जी तथा हिंदू जनजागरण समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय श्री रमेश शिंदे जी इनके कर कमलों से प्रज्वलन संपन्न हो है तमसो तमसो तीर्गमया। तीर्गमया। हमें अंधकार से प्रकाश, प्रकाश की ओर ले चल, हम, ऐसे हम, हम करेंगे माननीय वक्ताओं के, के, के संपन्न हुआ है तो उन्हें आसनस्थ होने की विनती करती हूँ आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना करने हेतु मैं श्री सागर सोदार इन्हें व्यास पर निमंत्रित करती हूँ सागर सोदार आप, आप हिंदू जन जागृति समिति के मुंबई थाने और रायगढ़ जिला के समन्वयक है तथा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। आप गत आठ वर्षो से हिंदू जन जागृति समिति कार्य में पूर्णकालीन रूप से सहभागी है समिति के राष्ट्र और, और धर्म के विषय पर आधारित विभिन्न अभियानों में आपका सक्रिय सहभाग रहता, रहता है श्री सागर चोपड़ा जी।, जी सभी को नमस्कार हमारी भारतीय संस्कृति अति प्राचीन है और, और जो है वो, वो

वैक्सीन निर्मित एवं वैक्सीन शोभकोम ने वो भी दिया वो भी इन हमारा, हमारा जो बेस है हमारा हमारा जो मूलभूत आधार, आधार है वो, वो हमारी संस्कृति है प्राचीन संस्कृति जो है शिक्षा और नालंदा विद्या के माध्यम से विश्व से लोग हमारा भारत ज्ञान ज्ञान सीखने के लिए आते थे वो उसकी अभी की स्थिति क्या है हमारी संस्कृति और हमारा धर्म जो है उसकी अभी की स्थिति क्या है जब वो हम देखेंगे तो पिछला एक उदाहरण देना चाहता हूँ जब सीता माता का जब हरण हुआ और लक्ष्मण जी को पूछा गया कि उनके आभूषण जब दिखाई गए दिखाई दिखाने दिखाए, दिखा, दिखाए प्रभु रामचंद्र जी ने तब लक्ष्मण जी ने वो आभूषण वो सिर्फ पैंजन जो था पैर में जो पहनते उतना ही आभूषण वो बता पाए लेकिन बाकी के आभूषण वो पहचान नहीं पाए क्योंकि एक लक्ष्मण जी जो थे तो उन्होंने उनके जो संस्कार जो, जो हमारे जो संस्कृति जो संस्कार दिए हैं तो वो संस्कार उस माध्यम से हमें ध्यान में आते हैं लेकिन अभी की स्थिति क्या है अभी महिलाओं के ऊपर जो जो अत्याचार है बलात्कार जो है वो बढ़ रहे हैं और उसका मूल कारण क्या है हमने प्रगति तो की है लेकिन ये जो प्रगति है सच में ये प्रगति है क्या या हमारी अधोगति के ऊपर हम जा रहे हैं ये मूल प्रश्न हमें सता रहा था और अभी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है या इंटरनेट है वेबसाइट है सोशल मीडिया है बहुत सारे युवा यहाँ पे आए हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत कॉलेज को मिले तो बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट जब हमें मिले प्राचार्य या शिक्षकों के साथ जब बात हुई पत्रकारों के साथ बात हुई संपादकों के साथ भी बात हुई तब सभी का प्रश्न यही था सभी के मन में यही डर था कि इस ओ टी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो लैंगिक या पोर्नोग्राफी जो बढ़ रही है ये बहुत ही आघात हमारे युवाओं के ऊपर हमारे बच्चों के ऊपर कर रही है हम जब प्राचार्य से मिले तब तो बोलते कि बच्चों जो कॉलेज में तो हो रहा है लेकिन मेरे मेरा बेटा क्या कर रहा है मेरी बेटी क्या कर रही है ये मुझे देखने के लिए हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ रहा है ये खुद का अनुभव वो जब बता रहे थे तो यह स्थिति क्यों आई है यह स्थिति प्रगति ना होती हुए ये हमारी संस्कृति पर जो अभी की स्थिति है वो कम होनी चाहिए और हमारा जो बेस है वो पूरा हिल रहा है इसी को लेकर सेव कल्चर सेव भारत यह अभियान हम सब चला रहे हैं उदय माहौर जी के माध्यम से मार्गदर्शन से यह अभियान चल रहा है और जब यह विषय के इस माध्यम से एकत्रित होकर हिंदू जनजागृति समिति हो हो जेम्स बॉलीवुड सभी ने अपने नाम सुना होगा जेम्स ऑफ बॉलीवुड सुना है ना पिछले तीन साल में हर चित्रपट मूवी में हमारी संस्कृति का हनन कैसे किया हमारे संस्कार भारत देश इसका हनन कैसे किया वो जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने ट्विटर के माध्यम से हमें दिखाया है और इसके कारण युवा भी जागरूक हो रहा है तो ये हमारी संस्कृति बचाने का जो मूवमेंट है तो हमें सभी ने एकत्रित करना है और आगे जाकर सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरा जो रिसर्च है वो अभी हमारे मान्यवर वक्ता हमें प्रस्तुत करने वाले है और ये विषय सुनने के पश्चात हम सभी ने ये मूवमेंट की तरह ये मुहिम जो है हमें एकत्रित करके काम करना है और मुझे बहुत विश्वास है कि जो चालू होने वाली जो मोमेंट है इस माध्यम से हमारी संस्कृति संस्कृति जो है अवश्य बचने वाली है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अभी युवा है और युवा ही भारत की अभी की शक्ति है सबसे ज्यादा युवा जो है वो भारत में है और पुनः भारत को विश्व गुरु लाने के लिए हमारी संस्कृति का रक्षा करने के लिए ये जो उद्देश्य है ये निश्चित रूप से संपन्न होगा और पूर्ण होगा ऐसे ऐसे आशा रखकर मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ नमस्कार सागर जी आइए अब हमें मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित मान्यवर वक्ताओं का हम सत्कार करेंगे सबसे पहले माननीय श्री उदय माहरकर जी इनका सत्कार वरली के कृतिशील धर्म प्रेमी श्री रविंद्र धासारी जी करेंगे मैं उन्हें व्यासपीठ पर निमंत्रित करता हूँ रविंद्र धसारी जी सीनियर जर्नलिस्ट तथा जेम्स ऑफ बॉलीवुड की को फाउंडर माननीय श्रीमती स्वाति गोयल शर्मा इनका सत्कार श्रीमती ज्योत्सना गर्ग जी करेंगे मैं उन्हें व्यासपीठ पर निमंत्रित करता हूँ ज्योत्सना गर्ग जी आप सेंसोर बोर्ड में एडवाइजरी हैं साथ ही आप शॉर्ट फिल्म तथा डॉक्यूमेंट्री भी निर्मित करती हैं तथा नेशन फर्स्ट इस संस्था में आप जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं श्रीमती स्वाति गोयल शर्मा जी का आप स्वागत कर रही हैं आज यहाँ पर कुछ विशेष अतिथि उपस्थित हैं हम उनका भी सत्कार करेंगे आज यहाँ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी उपस्थित हैं मैं माननीय श्री उदय जी विनती करता हूँ कि आप उनका सत्कार करें बॉलीवुड में दिखाई जाने वाली अश्लीलता तथा अयोग्य कंटेंट के विरोध में सफलतापूर्वक कानूनी संघर्ष एडवोकेट वीरेंद्र एसल करंजीकर जी ने किया है हम सभी उनका अभिनंदन करेंगे साथ ही मंदिरों में होने वाला भ्रष्टाचार राष्ट्र और धन हेतु विभिन्न पीआईएल आपने दाखिल किए है विभिन्न पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है मैं अधिवक्ता करण जी कर जिससे प्रार्थना करता हूं कि आप यहाँ पर अपने अनुभव हम, हम सबके रखें आप सभी को प्रणाम मंच पे जो बुजुर्ग और जिनको सुनने के लिए मैं भी आया हूँ उनको नमस्कार एक दुविधा में आ गया हूँ असल में तो आया था इनको सुनने के लिए अभी थोड़ा मनोगत मुझे ही कहने को बोला है दो तीन चीजें ही कहूंगा सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये जो गेम जेम्स ऑफ बॉलीवुड हैंडल है और जो सेव इंडिया कल्चर के माध्यम से जो हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमने इसमें अपना योगदान देना ही चाहिए संस्कृत में एक सुभाषित है दृष्टा दृश्यवशात बद्धः भाव विमुचते जो आप देखते हैं जाते हैं जो आप आपके सामने रखा जाता है उसी से आप जुड़ जाते हैं तो ये चीज अलग क्षेत्रों में भी कैसे हो रही है मैं थोड़ा विषय से थोड़ा बाहर जाना चाहूंगा जैसे ये हॉलीवुड अपने बॉलीवुड में हिंदू धर्म के बारे में दिखाया जाता है मैं अधिवक्ता हूँ मैं कुछ केसेस लड़ रहा हूँ आज भी जो चालू है उसमें से हिंदू टेरर के केसेस में मैं ज़्यादातर प्रमाण में हूँ और ये जो दाभोड़कर पानसरे केसेस में भी हूँ जो मैंने पहले बताया दृष्टा दृश्यवशात बद्धहा तो एक ही बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा आप पिछले दस सालों की मीडिया या प्रिंट मीडिया ये सब देखेंगे तो इन चार केसेस के बारे में बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी गई उसके बारे में आ, आर्टिकल्स आई उसके बारे में एजिटेशंस हुई यू नो बेटर अब हमने जब देखा कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर ये देखे कि चार हिंदुत्व ये जो चार थे कम्युनिस्ट थे और उनके बारे में हिंदुत्वनिष्टों को अरेस्ट किया गया है तो एक काउंटर क्या है तो हमने काउंटर ये देखा कि सिर्फ भारत में सिर्फ नक्सलवादियों ने मारे हुए लोगों की संख्या है चौदह हजार फोर्टीन थाउजेंड इंक्लूडिंग ट्राइबल्स इंक्लूडिंग सरपंच इंक्लूडिंग एमएलए इंक्लूडिंग पुलिस बीएसएफ और यह हम सब पढ़ते हैं लेकिन हमारे सामने रखा नहीं जाता रखा वो जाता है सो दिस इज अ इन दैट सेंस इज अ बैटल ऑफ नैरेटिव तो ये एक अभिप्राय शुरू है जो बॉलीवुड के बारे में एक सिर्फ अनुभव बताना चाहूंगा आठ दस साल पहले की बात है वो सिंघम रिटर्न एक मूवी आया था और उसमें एक एक अलग सा दृश्य था जिसके बारे में हिंदू हिंदुओं का आक्षेप था तो हम यहीं पे जूह में सन एंड सेंट होटल में बैठे थे अजय देवगन और रोहित शेट्टी और हम पाँच छः लोग और हमने बोला ये नहीं चलेगा ये यहाँ पे हर्ट होता है ये आपका जो सीन है तो बात चली और हमने बोला ये कॉम्प्रोमाइज यहां पे हो ही नहीं सकता आप मुसलमान का रोल कीजिए और तब उसमें कुछ करना कीजिए आप पुलिस का रोल करते हैं और वो माहिम के दरगे में चदर लेके जाएंगे ऐसा दिखाएंगे ये नहीं चलेगा तो अल्टीमेटली दे सेड कि हम ये सीन निकाल देंगे और वो निकाल दिया गया तो अगर हम के रहेंगे तो ये चीजें हो सकती है और एज एडवोकेट एक्टिविस्ट अभी ये थोड़ी ट्रायल की पीरियड है लेकिन माहौरकर जी आपके साथ इस लड़ाई में मैं भी जुड़ना चाहूंगा कुछ हमारे से अधिवक्ता के हिसाब से है तो इतना ही कह के रुकता हूँ हूं अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकर जी जैसे अधिवक्ता हम सभी की शक्ति है प्रेरणा है उनके विचारों से हमें निश्चित रूप से प्रेरणा मिली होगी हम सभी अब हमारे जो मुख्य हमारा कार्यक्रम है उसके ओर बढ़ेंगे आपने सुना होगा कि एम एफ हुसैन ने भारत माता की नंगी तस्वीरें बनाई थी और उसके विरोध में फिर हिंदू जन जागृति समिति ने प्रखर आंदोलन किया साढ़े बारह सौ से भी अधिक शिकायतें पुलिस में दर्ज की गई और आज तक वो मरने के बाद भी भारत में नहीं पहुंच पाया वो भारत से भागना पड़ा उसको तो हिंदू जब एकत्रित आते हैं तो किस प्रकार से एक आंदोलन खड़ा होता है यह इसका उदाहरण है वैसे जेम्स ऑफ बॉलीवुड के माध्यम से जो कार्य हो रहा है तो आज जेम्स ऑफ बॉलीवुड की को फाउंडर स्वाति गोयल शर्मा जी यहां पर उपस्थित हैं मैं उनका परिचय आपको करवा देता हूं आप स्वराज में वरिष्ठ संपादक हैं अब बॉलीवुड को एक्सपोज करने वाले ट्विटर फ्रंट जेम्स ऑफ बॉलीवुड की सह संस्थापक और पाकिस्तानी हिंदुओं को न्याय देने के देने के लिए कार्यरत संस्था सेवा न्याय उत्थान की सहसंस्थापक भी है आपने हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी भारत की प्रमुख समाचार एजेंसियों के लिए भी काम किया है पत्रकारिता में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपका विशेष अनुभव रहा है आपको पत्रकारिता क्षेत्र में अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें भारत माता के नग्नता चित्रण इस पर जिन्होंने अभी बोला है मैं इस पर बताना चाहूंगी कि कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी यारिया एक सीन था उसमें कि एक लड़की जिसको भारत माँ का रोल प्ले करना होता है स्टेज पर एक कॉलेज का एक फेस्ट है उसकी साड़ी खुल जाती है स्टेज पर और पूरा एक सीन है सब तालियां बजाते हैं बहुत हंसते हैं वो बिल्कुल भारत माता की तरह ड्रेस्ड होती है और फिर जो सोल्जर जो जवान उनको देखता है वो एकदम एक्साइट हो जाता है सेक्सुअली एक्साइटेड और फिर अचानक से वो लड़की जो भारत माता बनी है उस फेस्ट में वो खड़ी हो जाती है और शीला के जवानी पर डांस करने लगती है ये सीन यारियाँ फिल्म का है टी सीरीज़ ने बनाई थी हमने जेम्स ऑफ बॉलीवुड से इसका बहुत विरोध किया है कई बार ये क्लिप डाला है हालांकि आज तक ये सीन डिलीट तो नहीं हुआ है लेकिन इस तरीके की गंदगी कम से कम अब लोगों को पता है कि दिखाई जाती है टी सीरीज़ की एक और फिल्म की बात करती हूँ आपसे कुछ सालों पहले आई थी इंदू की जवानी ये फिल्म ओ टी टी पे ही बहुत जल्दी आ गई थी रिलीज़ होने के बाद कोरोना काल में रिलीज़ हुई थी इस फिल्म में एक लड़की है इंदू गुप्ता जो गाजियाबाद की है कोई बीस इक्कीस साल की लड़की है शायद कॉलेज ज्वाइन कर लिया है उसके जीवन में सबसे बड़ी परेशानी है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे पता चलता है कि वो उस पर धोखा दे रहा है उसे चीट कर रहा है किसी और लड़की के साथ तो उसको उसकी सारी सहेलियां ये समझाती हैं कि दरअसल क्योंकि तुम उसको सेक्स नहीं देती हो इसलिए वो उसने तुम्हें धोखा दिया तो इस पिक्चर में एक शुरू में एक मैसेज दे दिया जाता है कि अगर आप एक यंग लड़की हो और इस तरीके से कंजर्वेटिव हो फालतू में तो आपको प्यार नहीं मिलेगा जिंदगी में मतलब आपकी गलती है अगर आपका बॉयफ्रेंड इस पर चीटिंग कर रहा है तो फिर वो एक, एक डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लेती है जिसका नाम डिंडर टिंडर के ऊपर रखा गया है नाम ज्वाइन करके उसे पहले लड़का मिलता है समर हैदराबाद से दिखाया गया है वो उसे मिलती है उसे घर पे बुला लेती है इसी पिक्चर में बार बार ये दिखाया गया है कि जितने भी आसपास के उसके लड़के हैं जैसे जो उसके हिंदू कॉलोनी के लड़के हैं वो हमेशा या तो जगरातों में जाते हुए मिलते हैं या मंदिर में वो उसे हमेशा बहुत गंदी नज़र से देखते हैं अगर वो उसे दीदी कहते हैं तो भी उसे ऐसी नज़र से देखते हैं अगर वो उसे बेटी कहते हैं तो भी उसे ऐसी नगाहों से देखते हैं जब समर घर पे आता है तो उसे लड़की को पता चलता है कि ओह ये समर तो दरअसल समर खान है और ये हैदराबाद इंडिया का नहीं ये तो पाकिस्तान के हैदराबाद का लड़का है और पिक्चर के एंड तक ये प्रूव हो जाता है कि जितने भी लोग जगराता में जा रहे थे वो कैरेक्टर के सबसे गंदे लोग थे ढीले लोग थे उनसे उनसे इंदू को ख़तरा है लेकिन समर खान जो पाकिस्तान का है वो उसको बचाता है और वो सबसे अच्छा लड़का उभर कर पूरी फिल्म में आता है ये फिल्म खूब ओ टी टी पर चली थी टी सीरीज की फिल्म थी कमाल की बात यह है कि टी सीरीज जिसने फाउंड किया था गुलशन कुमार उसको दाऊद इब्राहिम जो बाद में पाकिस्तान खुद चला गया था उन्होंने उसको मारा था और वो भी मंदिर के बाहर मारा था ये ये इस फिल्म इंडस्ट्री के कारनामे हैं उससे एक दो साल पहले एक फिल्म आई थी अतरंगी रे सारा अली खान उसकी एक्ट्रेस और अक्षय कुमार जैसा बड़ा मेगा स्टार उसका हीरो इंसिडेंटली ये भी टी सी रिजी फिल्म थी इस फिल्म में एक डायलॉग था क्योंकि ये एक इंटरफेथ रिलेशनशिप यानी हिंदू लड़की बनी है सारा और आरिफ खान बना है आरिफ या याद नहीं मुझे नाम अक्षय कुमार तो लड़की डायलॉग बोलती है आपको जानना है क्या और मैं ये मेरा डायलॉग नहीं है ये बिल्कुल जो लड़की बोलती है मैं वो बोल रही हूँ मैं हिंदू ठाकुर लड़की ये कतई मियाँ भाई लौंडा इसे कहते हैं लव स्टोरी ये इस पिक्चर का मैसेज था तो फिल्में इस तरीके से हमारे देश में हिंदू मेजॉरिटी सो कॉल्ड नेशन में सबसे बड़े ब्रांड्स ये फिल्में बना रहे हैं और कमाल की बात यह है कि ये फिल्मों के ब्रांड्स बनाने वाले इनका मेन धंधा एक्चुअली डिवोशनल सॉन्ग्स का है टी सीरीज का सबसे बड़ा बिजनेस आज भी डिवोशनल भक्ति सॉन्ग्स का है तो ये ये क्यों बनाते हैं ये समझ में नहीं आता क्योंकि अगर बिजनेस की बात करें तो बिज़नेस तो इन फिल्मों से उनको नहीं मिलता बिज़नेस तो उन्हें किसी और चीज़ों से मिल रहा है फिर ये समझने की ज़रूरत है कि ये दरअसल ये सब इसके पीछे का कारण क्या है कारण बहुत पुराने हैं पता नहीं कितने लोगों को यहाँ बैठे हुए पता है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री मुंबई फिल्म इंडस्ट्री बोलूँगी उसकी शुरुआत उनके जनक माने जाते हैं दादा साहब फालके आपको पता है उनकी फिल्म बनाने की प्रेरणा क्या थी उन्होंने एक फिल्म देखी थी द लाइफ ऑफ क्राइस्ट तो उन्होंने सोचा जब जीसस के ऊपर फिल्म बन सकती है क्रिश्चियनिटी पर ऐसी फिल्म बन सकती है तो हम हिंदू धर्म पर क्यों नहीं बननी चाहिए तो उन्होंने अपने धर्म पत्नी से कहा कि मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ और मैं अपने राम अपने कृष्ण अपने शिव अपने ही वेद पुराणों पर फिल्में बनाना चाहता हूँ बहुत ड्रिवन आदमी थे उनकी कहानी बहुत कम सुनने को एक्चुअली उनकी लाइफ स्टोरी मिलती है लेकिन दस सालों में उन्होंने कोई सौ फिल्में बना डाली थी बहुत फिल्में बनाई और ऐसी ऐसी कि मतलब पहले थिएटर नहीं होते थे पहले जैसे सर्कस का पूरा लगता है ऐसे ही सब अरेंजमेंट करके ऑन द स्पॉट पिक्चर दिखाई जाती थी तो एक लंका दहन फिल्म तो ऐसी थी जिसके साथ साथ शोज एक दिन में होते थे वाइल्डली पॉपुलर फिल्में फिर अचानक से हम देखते हैं कि 1947 के बाद पूरा सब कुछ बदल जाता है यहाँ पर कम्युनिस्टों का और जैसा मुस्लिम नेवरजी ने अभी कहा एक लाहौरी ग्रुप का पूरा यहाँ पर आ जाता है और पूरा फिल्म का स्वरूप बदल जाता है पूरा उसका कैरेक्टर बदल जाता है कुछ समय बाद बिल्कुल आज़ादी की एक फिल्म आती है मुगले आजम जिसमें अकबर को तैमूर की वंशज ऐसा बता कि उसको ग्लोरीफाई किया गया है एक फिल्म आई थी छलिया राज कपूर ने बनाई थी जबकि उसकी खुद फैमिली माइग्रेट करके आई थी उस फिल्म का भी मैसेज ऐसा था कि जब एक जज अपनी पत्नी को छोड़ देता है तो पीछे राम जी और सीता जी की फोटो दिखाई जाती है ये दिखाने के लिए कि दरअसल उसे प्रेरणा शायद राम जी से मिली थी ये पिक्चर यहाँ पर इतने सालों से चली आप सबको पता है दीवार फिल्म में कैसे बिल्ला नंबर सेवन एट्टी सिक्स को ग्लोरीफाई किया गया जबकि हीरो मंदिर नहीं जाता एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑफ बॉलीवुड ने इस पर आई एम प्राउड टू से कि बहुत काम किया है और देर से ही सही तीस साल से बात सही लेकिन लोगों को पता तो चला कि दरअसल धन्यवाद कि वो देखते थे तो उसमें एजेंडा क्या था एक बार मैंने अपने पिताजी से भी पूछा था कि आपके समय पर फिल्में आती थी कभी विरोध नहीं हुआ उन्होंने कहा बेटा कौन करेगा हम लोग नौकरी करने वाले लोग थे काम काजी लोग थे ये फिल्में देखता कौन था समाज के दरअसल निचले हिस्से के लोग मैं पैसे में नहीं कह रही मैं उनको बह रही हूँ जो थोड़े आवारा किस्म के लोग थे दरअसल वो पिक्चरें देखने जाते थे और ये बात ठीक है कि कुछ सालों पहले तक पिक्चर देखना पिक्चर बनाना पिक्चरों में इस तरह काम करना कोई बहुत अच्छी बात मानी नहीं जाती थी बहुत अच्छे घरों की लड़कियों को कोई अपने घरों में कोई भेजता भी नहीं था और मुझे तो इतना तक याद है मम्मी बताते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा फिल्मों देखने वाला या इस डायलॉग मारकर या नाचने कूदने वाला होता था तो उसकी तो शादी में भी दिक्कतें आती थी पर आज हम देखते हैं कि सब कुछ बिल बहुत बदल गया है आज फिल्म ये, ये एक पूरा ना पी आर के थ्रू हुआ है फिल्मों वालों को आज हम स्टार्स बोलते हैं स्टार्स ये टाइटल दरअसल उन्होंने खुद को ही दिया है फिल्म मैगजीन्स के द्वारा ये टाइटल उन्होंने खुद से लिया है आज हम आज इतना हो गया है कि फिल्म के सबसे ज्यादा सिविलियन अवार्ड जो होते हैं जैसे पद्मश्री पद्म भूषण या और ये सब इनके एंटरटेनमेंट की संख्या बहुत ज्यादा होती है डॉक्टरों की इतनी नहीं मिलेंगी आपको आपको बहुत बड़े बड़े काम करने वालों की या बहुत मेहनत से पढ़ाई करके कुछ बनने वालों की संख्या नहीं मिलेगी आप कभी वो कीजिएगा जितने भी आपको और अभी तो बहुत बहुत बदल गई हैं बातें इस सरकार के अंदर इसमें आपको उदय जी भी बता सकते हैं कि पहले ये अवार्ड बिकते थे लेकिन कुछ सालों पहले तक की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो सब कुछ तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भरा रहता था ये सारे अवार्ड्स तो दरअसल हमारी ये बहुत गलती रही है कि हम इस पी कैंपेन में हम हम इसको सच मान लिया हमने इन लोगों को वाकई में स्टार्स बोलना और समझना शुरू कर दिया हम इनको इतने घर घर तक अपने ले आए हैं कि हमारे त्यौहार इनके गानों के बिना अधूरे हो गए हमारे शादियां इनके गानों के बिना नहीं होती ये जो कपड़े पहनते हैं हम उनका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं इनके डायलॉग बोलना चाहते हैं उनकी तरह दिखना चाहते हैं ये बहुत दुख की बात है और मेरा ऐसा मानना है कि अगर पीछे म्यूज़िक और स्पेशल इफेक्ट डालो तो शायद लोगों को लोग अपना विवेक ही खो देते हैं और समझ नहीं पाते कि उन्हें दिखाया क्या जा रहा है पिछले साल की बात है होली पे मेरी सोसाइटी में गाना बज रहा था हालांकि वो पंजाबी गाना था कि खेड़ेंगे आज जट खून दिया होलियाँ अब मुझे पंजाबी आती है अब सोचिए ये गाना होली पे नहीं है ये गाना पता है किस पर है कुछ पंजाब के ज़मींदार लोग राइफलें उठा के लैंड का कब्जा हटवाने जा रहे हैं सोचिए वो कह रहे हैं कि हम खून के होलियाँ खेलेंगे और ये गाना होली पे बज रहा है सब नाच रहे हैं इन्हें लग रहा है पता नहीं कौन सा होली का गाना है तो हम हमारा एज अ सोसाइटी हम समझते ही नहीं है कि जो बोला जा रहा है उसका मीनिंग क्या है बस म्यूजिक लगा दिया जाता है हम उस पर नाचना शुरू कर देते हैं जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने जब क्लिप्स दिखाने शुरू हुए तो हमें हैरानी हुई कि लोगों को वाकई में समझ में नहीं आता था मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है लेकिन उन्हें नहीं पता चलता था कि इस पीछे का एजेंडा क्या है सो ये एक हमारी तरफ से बहुत प्रयास रहा है कि एंटरटेनमेंट इस इंडस्ट्री में काम करने वालों को हीरा हीरो समझना तुरंत बंद करें इन्होंने इस प्रोपोगेंडा के साथ साथ बहुत व्यभिचार भी हमको बेचा है शुरू से ही इंदू के जवानी फिल्म जो मैंने अभी आपसे बात करी उसमें सिर्फ पाकिस्तानी लड़का सबसे अच्छा है सिर्फ ये एजेंडा नहीं परोसा गया ये भी परोसा गया कि यंग लड़कियाँ गंवार हैं अगर उन्होंने बहुत कम एज में अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं करी उसमें यह भी परोसा गया प्रोपोगडा कि टिंडर जैसी ऐप्स या इस तरीके की एप ज्वाइन करना यह सब बहुत नॉर्मल है ये तो सभी करते हैं और अगर आप नहीं करते हो, तो आप में कुछ प्रॉब्लम है अभी ये वाला कंटेंट हमारे फ़ोन पे बहुत इजीली अवेलेबल है बच्चों के फ़ोन पे भी बहुत इजीली अवेलेबल है सोचिए स्कूल के सौ मीटर दूर दूर तक अल्कोहल की दुका, दुकान तो आप नहीं लगा सकते लेकिन उन्हीं के मोबाइल फ़ोन पे ऐसा कंटेंट ना वो ना देखें उसके लिए कोई प्रावधान अभी है नहीं एक ऐप होगी तो वो खुद ही आपसे पूछेगी आर यू अंडर एटीन कौन होगा बच्चा जो लिखेगा नहीं आई एम नॉट इतना तो सबको आता है और सारा कंटेंट उसके लिए अवेलेबल है ये दरअसल ये मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ इस बात को लेकर कि ये टेक्नोलॉजी से सॉल्व नहीं होगा ये सरकारों से भी सॉल्व नहीं होगा जो फोन पर आ चुका है और बच्चे आजकल फोन से सब कुछ एक्सेस कर रहे हैं यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की एग्जाम की जो सेशन है वो भी फोन पे ही देख रहे हैं पूरा ऑनलाइन क्लासेस है मतलब स्कूल में बट रहे हैं आजकल फोन मोबाइल फोन क्योंकि उससे क्लासेस होती हैं पर आज एस तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें बच्चों के लिए वो ना देखें ऐसा कोई प्रावधान हो देर आर नो चाइल्ड फ्रेंडली फोन्स मोबाइल सिम भी सिर्फ एडल्ट्स को ही मिलता है लेकिन उनके लिए सब कुछ अवेलेबल है अब ये ना आई इसका एकमात्र तरीका मुझे ऐसा लगता है कि वो ये है कि समाज से इतना बड़ा इतना बड़ा पुशबैक हो कि इसमें जो जो काम करने वाले हैं उनकी उनको उनको बिल्कुल नीच निगाहों से देखा जाए उनका सोसाइटी में जो हमने उनको पेडेस्ट्रल पे बिठा दिया उसको बिल्कुल गिराया जाए उनको रिस्पेक्ट खत्म हो आज देखिए पॉइंट और एक अंडरवर्ल्ड जैसी इंडस्ट्रीज और पॉइंट जैसी अंडरग्राउंड जैसी इंडस्ट्रीज तो चल च, चलती हैं वो तो एक प्रॉब्लम है ही लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सॉफ्ट पॉइंट करने वालों को हम स्टार्स बोलते हैं वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं हमको उसको बुरी तरीके से रिवर्स करना पड़ेगा और उसके लिए हमको ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखनी ही पड़ेगी अगर हमको लगता है कि इस इंसान ने इस ग्रुप ने या फिर इस स्टार ने सो so कॉल्ड कभी किसी हिंदू देव देवी देवता पे भी बहुत गंदा मजाक किया है और इस तरीके का इतना गंदा व्यविचार दिखाया है जो सीधा सीधा रेप को बढ़ावा दे सकता है जिससे समाज में कुछ भी नहीं मिल रहा सिर्फ गंदगी ही फैल रही है उसका हम पूरी तरीके से उसको बॉयकॉट करें जैसे हमारे घरों में वो नहीं बजना चाहिए अगर बच्चा बचाता है तो उसको बताया जाए हम हम सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते अगर बड़े लोग वो गाना बजाएंगे उस पर डांस करेंगे तो हम बच्चे को नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये खराब है तेरे लिए हमको दरअसल अपनी मानसिकता ऐसी करनी पड़ेगी कि हम काम वही करें जो बच्चे के लिए अनुकूल हो क्योंकि देखा जाए तो वही सात्विक है आप मुझे बताइए एडल्ट कंटेंट जिसको ये बोलते हैं क्या सारे एडल्ट एक साथ बैठ देख सकते हैं अभी जो क्लिप की बात कर रहे हैं ऑल्ट बालाजी की जिसमें संजीव जी ने बात करी मैं आपको उस बारे में बताती हूँ दरअसल वो सीन है क्या सीन ऑल्ट बालाजी का एक सीरीज है एक्स 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 उसमें एक आदमी जैसे घर में एंटर करता है सामने होने वाली उसकी दादी मतलब उसकी शादी एक लड़की से होने वाली है तो जो उसकी दादी है यानी होने वाली दादी होने वाली भाभी होने वाली बहन तीनों उसको फैंटेसाइज कर रही हैं कि वो कितना हॉट है उसको सेक्सुअली फैंटेसाइज कर रही हैं और वो सीन पूरा पूरा दिखाया गया है पूरा एक्सप्रेसिड सीन है तो उस सीन में जब हमने कंप्लेंट किया था ऑर्ड बालाजी से तो उन्होंने हमको दो रिप्लाई लिखकर भेज दिए जेम्स ऑफ बॉलीवुड को एक कहा कि हम तुमको फोर्स तो नहीं कर रहे देखने के लिए दूसरा बोले कि ये तो पेड ऐप है कि पैसा देख के देख रहे हो फ्री में तो नहीं दिखा रहे जो कि बिल्कुल है ज्यादातर ऐसे ऐप्स आपको सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री मिलते हैं आप कोई मोबाइल सब्सक्रिप्शन लेते हो आप कोई डेटा प्लान लेते हैं इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं उसके साथ फ्री मिलते हैं अगर ये सिर्फ पेड ऐप होते तो ये सस्टेन नहीं कर सकते थे इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल जैसे संजीव जी ने कहा था एकदम निर्लज इनके इनके आर्गूमेंट्स थे बिल्कुल ठीक नहीं है और हमको इनके प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखनी पड़ेगी अगर ओल्ड बालाजी ऐसे चीज़ें बना रहा है तो हम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं वो अच्छी चीज़ें भी तो बना रहे हैं उन्होंने ऐसी वाला गाना भी तो बनाया था हम ये करना बंद करें यह मेरा आपसे मैसेज है और बहुत मुश्किल नहीं है मेरी लाइफ में बॉलीवुड का कोई रोल नहीं है मेरे घर में नहीं बचता सौभाग्य से मेरे ससुर आ, सितार वादक हैं वैसे रिटायर्ड प्रोफेसर भी हैं लेकिन वो बजाते हैं उनके द्वारा मुझे राग का और इस पूरी क्लासिकल आर्ट्स का काफ़ी पता चला है पर हमारा जीवन बिल्कुल इनके बिना बहुत अच्छे से चल सकता है बल्कि ज़्यादा अच्छा चलेगा फोक क्लासिकल आर्ट्स इनसे अगर आप अगर हम इनको बजाएंगे हमारे त्यौहार भी ज़्यादा एक्चुअली अच्छे ही लगेंगे आप राजस्थान में देखिए कभी वहाँ पे अभी भी थैंकफुली बॉलीवुड का पेनिट्रेशन आपको वहाँ कम मिलेगा वहाँ का राजस्थानी फोक बहुत स्ट्रोंग है सब शादियों में सब जगह वही बजता है बहुत सुंदर लगता है ये मेरी बस आपसे अपील है फिलहाल बाकी तो आपको बताएंगे ही कि जितना हो सके इनको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखकर अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए धन्यवाद धन्यवाद स्वाति गोयल जी वैसे तो जेम्स ऑफ बॉलीवुड का हमें ताली बजाकर अभिनंदन करना चाहिए कि इतना गंभीर विषय इन्होंने रिसर्च किया है और साथ ही जेम्स ऑफ बॉलीवुड द्वारा जो व्हाइट पेपर रिलीज किया गया है तो आज हम इस व्हाइट पेपर का यहां पर प्रकाशन करने वाले हैं मैं मान्यवरों से विनती करता हूं कि वो जो व्हाइट पेपर है जिसे हम श्वेत पत्रिका कह सकते हैं आज इस श्वेत पत्रिका का विमोचन इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है मैं से विनती करता हूं कि आप इस रिपोर्ट का विमोचन करें यह व्हाइट पेपर आज आप सभी के लिए उपलब्ध हो रहा है आप सभी इसे पढ़े स्वाति जी ने जिस प्रकार का ओ टी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिस प्रकार से यह सारी घटनाएं घट रही है तो इसके दुष्परिणाम किस प्रकार हैं? इस रिपोर्ट में विस्तार पूर्वक ये लिखा गया है आप इस रिपोर्ट को आप अवश्य पढ़े यह रिपोर्ट आपको स्वागत कक्ष के समीप आपको अवश्य मिल जाएगी आज का एक महत्व आज का आप आज का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम जेम्स ऑफ बॉलीवुड और हिंदू जन जागृति समिति इन दोनों के यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव किया गया है आज आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं आप सभी से विनती है कि आप अधिक से अधिक उसे लाइक और शेयर करें जिससे यह प, जो कार्यक्रम है वो अधिक अधिक से अधिक जनता तक पहुंचे आज इस कार्यक्रम में श्री सुनील शाह जी जो अध्यक्ष हैं आप दादर उद्योजक व्यापारी संघ के आप उपस्थित हैं साथ ही द रैशनलिस्ट मर्डर इस पुस्तक के राइटर और जनरल सर्जन डॉक्टर अमित थडानी जी उपस्थित हैं सिंधी नेशनल कॉलेज के सिंधी विभाग प्रमुख शोभा बंबानी जी यहाँ पर उपस्थित है साथ ही मुंबई विद्यापीठ के पश्चिम विभाग के आविष्कार संशोधन प्रमुख डॉक्टर मिरिंद कुलकर्णी यहाँ पर उपस्थित हैं बी नेशनल कॉलेज के प्रमुख श्री मुकेश कनौजिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं हम आपका स्वागत करते हैं अब तक हमने जिस प्रकार से जो आक्रमण हो रहे हैं हिंदू समाज पर हमारी संस्कृति पर ये सारे आक्रमण हम देख रहे हैं परंतु इन आक्रमणों के साथ हम किस प्रकार से लड़ सकते हैं इसका विरोध किस प्रकार से कर सकते हैं तो हमें प्रैक्टिकली कुछ करना होगा केवल बहिष्कार से नहीं होगा तो प्रैक्टिकली किस प्रकार से हम इससे लड़ सकते हैं इसके बारे में हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे जी मैं उनका परिचय आपको करवा कर देता हूं आप सिविल इंजीनियर हैं साथ ही आप सनातन धर्मभूषण हिंदू कुलभूषण पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित हैं तथा पूर्णकालिक धर्म प्रसारक के रूप में पूरे देश में आप भ्रमण करते हैं आप धर्म एवं राष्ट्र संबंधी विश्य, विविध विषयों के अध्ययनशील व्याख्याता एवं समाचार पत्रों के स्तंभ स्तंभ लेख लेखक के रूप में जाने जाते हैं अनेक राष्ट्रीय दूरदर्शन वाहिनियों के चर्चा सत्रों में हिंदू धर्म का पक्ष आप प्रभावी रूप से रखते हैं आप बुद्धिवादियों का अहंकार लोकतंत्र में फैली दुष्प्रवृत्तियां हलाल जिहाद धर्म परिवर्तन हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति आदि विषयों पर आधारित सनातन के ग्रंथों के संकलन करता है मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना विषय प्रस्तुत हमारे सन्मु प्रस्तुत करें सभी को नमस्कार हमारे सभी के प्रेरणा के स्थान तथा जिनके आदर्शों के बारे में आज इस कार्यक्रम में जानना तथा उनका उनके आदर्शों का आचरण करना अनिवार्य है ऐसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज प्रभु श्राम हमारे सदगुरु सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर अठवले जी यहाँ पर उपस्थित उदय माहूरकर जी की जो ये मुहिम जिन्होंने छेड़ी है और जिस प्रकार से इसको प्रतिसाद मिल रहा है कार्यक्रम के प्रस्तावना में सागर जी ने आपको बताया लेकिन ये जो आज हर एक के मन की बात है लेकिन करेगा कौन पहल कौन करेगा जब स्कूल में गए कॉलेज में गए हर जगह पर यही बात हो रही है समाज में भी गए तो भी यही चिंता है लेकिन उदय माहौरकर जी ने पहल की यह सबसे बड़ी बात है इसलिए ये विशेषता है और स्वाति जी तथा तो संजीव नेवर जी का तो आपने कार्य भी देख लिया उनका वक्तव्य भी, भी सुन लिया एक बात शायद आपको नहीं पता है अभी यहां पर जैसे फिल्म सिटी है गोरेगांव में वैसे उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी बन रही है और योगी आदित्यनाथ जी बना रहे हैं और उस फिल्म सिटी के प्रचार के लिए जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो उनकी मीटिंग में बॉलीवुड के एक अभिनेता सुनील शेट्टी रो पड़े थे और उन्होंने कहा था कि इस जेम्स ऑफ बॉलीवुड पर आप नियंत्रण कीजिए तो अब सिनेमा में तो एक्टिंग में तो रोते हैं लेकिन इनको वास्तविकता में रुलाने का काम यदि किसी ने किया है उनकी पापों के कारण से वो जेम्स ऑफ बॉलीवुड है आज आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं आप सभी को भी यही चिंता सताती होगी और मेरे उपरांत उदय जी इसका समाधान क्या है वो भी बताएंगे लेकिन ये जो मुहिम है कि ये हमारे सबकी है हमेशा हमें एक आदत लग चुकी है कि ये मोदी जी ने करना चाहिए योगी जी ने करना चाहिए सरकार का काम है तो हम दूसरों पर डाल देते हैं तो हमारा काम क्या है इसलिए यह पहला काम ऐसे होगा या मुहिम या अभियान ऐसे होगा कि जिसके अंदर सरकार अपना काम करेगा या जो नेता है वो अपना काम करेंगे लेकिन उससे साथ में हमने भी अपना काम करना चाहिए तब जाकर के इस मुहिम की सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं आज विश्व में जो आदर्श व्यवस्था है कहीं पर भी देख लीजिए जो परिवार व्यवस्था है वो मात्र भारत में आज बची हुई है लेकिन यहां पर भी लिव इन रिलेशनशिप का कानून ला करके लिव इन रिलेशनशिप ला करके उसको विकृत करने का प्रयास किया गया और इसका सबसे बड़ा माध्यम कौन बना है बॉलीवुड आज कौन सी अभिनेत्री किस अभिनेता के साथ रह रही है कल वो रहेगी या नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है लेजिटमेसी नहीं है लेकिन उनको हमारे यहां पर सम्मान है क्या हमारी बहन किसी के साथ ऐसे ही बिना बताए रहे या हमारा भाई रहे तो क्या उसको हम स्वीकार कर सकते हैं तो जो चीज हमारे जीवन में नहीं हो सकती है उसका प्रमोशन यहां क्यों चल रहा है आज कई सारी चीजें मैं मुंबई हाईकोर्ट के कई सारे जजमेंट पढ़, पढ़ता हूं तो एक जजमेंट में तो मुंबई हाईकोर्ट के जज ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप हमारा सरदत बन चुका है इतने सारे केसेस आ रहे हैं इतने सारे केसेस कि अब उनको अधिकार मिले या ना मिले बच्चे यदि हो तो वो दोनों अलग हो जाए तो वो मां के पास जाएंगे कि बाप के पास जाएंगे इतनी सारी कानून अड़चने उसके अंदर आती है और दुर्भाग्य से देखिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में सेवन जजेस बेंच बिठा करके होमोसेक्सुअल मैरिज को लेजिटिमेट करना या नहीं करना उसकी चर्चा होती है सुप्रीम कोर्ट में सिक्सटी थाउजेंड केसेस पेंडिंग है और वहां पर चर्चा क्या है तो होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज करना या नहीं करना है कितने होंगे होमोसेक्सुअल पूरे देश में यदि हम लेंगे तो मुझे नहीं लगता पांच लाख से ज्यादा होंगे आपके पास केस उससे दस गुना ज्यादा पड़े हैं जो गरीब यहां पर भूखा मर रहा है उसकी केस सुनने के लिए समय नहीं है आपके पास तो ये जो चीजें हैं कि बॉलीवुड या इन चीजों को हम क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हैं इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा और इसी के लिए ये जो आदर्श है या ये जो सारी चीजें चल रही है ये एक नया सिस्टम आ चुका है इसको हम वोकिज्म कहते हैं ये और ये जो चीजें हैं इसमें हमको जानकारी रखनी पड़ेगी कि युद्ध के विभिन्न प्रकार होते हैं वॉर के अलग अलग जनरेशन होते हैं जैसे फाइटर प्लेन के अलग अलग जनरेशन होते हैं तो फर्स्ट जनरेशन का वॉर था वो हाथ में कुल्हाड़ी या भाला लेकर के लड़ा जाता था सेकंड जनरेशन का वॉर जब आया तो हमने देखा कि उसके अंदर तीर आ गए बाण आ गए थर्ड जनरेशन का वॉर आ गया उसके अंदर सबमरीन आ गई फाइटर प्लेन्स आ गए मिसाइल्स आ गई ड्रोन्स आ गए लेकिन ये जो है दिस इज कॉल्ड अ फोर्थ जनरेशन वॉर और ये फोर्थ जनरेशन वॉर जो है ये है इंफॉर्मेशन वॉर क्योंकि यहां पर घुसपैठ करके कोई बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है आपके पास जो मोबाइल है उसके अंदर घुसने के लिए किसी को अलग से आने की जरूरत नहीं है वो मैसेज पाकिस्तान से भेजा जा सकता है वो अमेरिका से जा, भेजा जा सकता है कहीं से भी सो स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो वॉर और हम देखते हैं कि कई सारी चीजें ऐसे किसान आंदोलन के बारे में किसान आंदोलन का ट्वीट मियां खलीफा कर रही है मियां खलीफा को हमारे देश के किसानों के बहुत चिंता है मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ पोर्न इंडस्ट्री की एक्ट्रेस किसान आंदोलन पर ट्वीट कर रही है क्या ये बात है तो इनका लिंक कितना बड़ा है इसको हमको समझना होगा इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिस इज कॉल्ड अ फोर्थ जनरेशन वॉर ये केवल मोबाइल नहीं है ये केवल हमारे यहां पर टीवी पर दिखने वाला या सिनेमा में या ओटीटी में आने वाला कंटेंट नहीं है इस कंटेंट को पर्पजली बनाया जा रहा है इस कंटेंट को पर्पजली परोसा जा रहा है और इसमें भारत की जो युवा पीढ़ी है जो ब्रिलियंट है जैसे अभी सागर जी ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी सत्तर जो आज मल्टी है उनके हेड भारत के लोग हैं क्यों भारतीय बने हैं तो ये जो चिंता है पूरे विश्व को तो यहां पर डिस और उसके आगे का यदि हम उदाहरण लेंगे कि डिस्टोर्टेड इंफॉर्मेशन और उसके आगे जाएंगे तो अनवांटेड इंफॉर्मेशन ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे मोबाइल में आ रही है और उसको हम ले रहे हैं पहले हमारा मोबाइल था अब वो स्मार्ट हो गया मोबाइल तो स्मार्ट हो गया हम स्मार्ट हुए हैं क्या हमारी युवा पीढ़ी स्मार्ट हुई है क्या टीवी भी स्मार्ट हो गया लेकिन उसके अंदर हम स्मार्ट हुए कि हमने क्या देखना है क्या नहीं देखना है इसलिए केवल मोबाइल स्मार्ट होने से नहीं होगा केवल टीवी स्मार्ट होने से नहीं होगा हमें इस दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है कि उनके साथ में हमें भी स्मार्ट होना पड़ेगा और हमें भी यह सोचना पड़ेगा कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है किस कंटेंट को हमें छोड़ना है या किस कंटेंट को हमें साथ लेकर के चलना है अभी जैसे स्वाति जी ने कहा कि ये फिल्म एक्टर्स अपने आप को स्टार सुपरस्टार शहंशाह बादशाह डॉन ऐसे कई सारे नाम लेते हैं मेरे मन में एक प्रश्न है इसमें से कौन सा ऐसा स्टार है जो खुद की स्टोरी लिखता है फिल्म की एक भी नहीं इसमें से कौन सा ऐसा स्टार है जो खुद के डायलॉग लिखता है जो खुद का गाना लिखता है जो खुद कोरियोग्राफी करता है जो खुद फाइट करता है जो खुद जाकर के वहां पर जो आमतौर पर संकट आ जाए तो उसमें से कोई सहायता करके बाहर निकालने का कार्य करता है तो ना इसमें से कोई कोरियोग्राफर है ना डायलॉग लिखने वाला है ना फिल्म की स्टोरी लिखने वाला है ना फाइट मास्टर है ये सारे बॉडी डबल लेकर के सब एक्शन फिल्में करते हैं उसको इंपोज करते हैं और क्रोमा पर जो फिल्में बनाते हैं मैं ऐसी जगह पर मैं काम करता था जब पहले कि हमारा एरिया इन बॉलीवुड के एक्टर्स को हम रेंट पर देते थे पर डे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज लेकर के तो मैंने ये सारे बॉलीवुड के एक्टर्स को देखा है कि वहां पर जो फाइट का सीन चल रहा है या आग का सीन चल रहा है तो एक्टर हमारे बाजू में बैठा होता था और वहां पर और कोई उसमें काम कर रहा है उसका जैसे उसके जैसा वेश पहन करके तो तब से मेरा यह बॉलीवुड एक्टर्स के प्रति रिस्पेक्ट ही समाप्त हो गया जब यह खुद लड़ नहीं सकते हैं तो फिल्म में क्यों बता रहे कि हम दस लोगों को मार रहे बारह लोगों को मार रहे हैं ये मुंबई के अंदर छब्बीस ग्यारह का हमला हुआ कितने बॉलीवुड एक्टर्स गए थे वहां पर वहां पर जाने वाला मेजर उन्नी कृष्णन था जिसने बलिदान किया वो स्टार है हमारे लिए और इसलिए ये बाद में बाकी लोगों का सारा चोरी करके या बाकी लोगों के सारे इफेक्ट्स और ये लेकर के जो स्टार बन करके हमको दिखा रहे हैं वो अपने जीवन में क्या है और इसलिए उनका आदर्श जो है ये आदर्श गलत हमारे सामने रखा जा रहा है और इस दृष्टिकोण से आदर्श हमारे सामने जो आदर्श वास्तविकता में है वो उस दृष्टिकोण से होने चाहिए अभी जैसे आ, कुछ बातों को यहां पर आ, बताया गया तो मैं कुछ बातें आपको दिखाना भी चाहूंगा क्योंकि मैं केवल आ, बोल रहा हूं ऐसे नहीं है अभी रिसेंटली ओ के ऊपर क्या आता है आपको एक मैं दृश्य दिखाता हूं यह है एक ओटीटी की एकता कपूर के अल्ट बालाजी जो ये है उसका जो वेब सीरीज है उसका कि इस महिला का पति जो है वो आर्मी में अधिकारी है वो जंग लड़ने के लिए गया है और उसकी वाइफ उसका यूनिफॉर्म लेकर के अन्य किसी मर्द के साथ सेक्स कर रही है ये इसको क्या कहेंगे मतलब राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रप्रेम तो छोड़ दीजिए ये क्या दिखा रहे हैं और हमने केवल इतना ही किया ऐसे नहीं है इसके ऊपर हमने बहुत सारा काम किया बहुत सारे आंदोलन हमने इसके अगेंस्ट किए और ये हमारा उस समय पे ट्विटर पर जो है अल्ट बालाजी इंसल्ट्स आर्मी तो ये हमने ट्रेंड चलाया आंदोलन किए और इसके द्वारा हमने एक प्रयास ये किया कि उससे एकता कपूर को माफ़ी मांगनी पड़ी हमारे भारत के आर्मी से माफ़ी मांगनी पड़ी और केवल इतना ही नहीं हुआ तो हमने इंडियन आर्मी को पत्र लिखा कि ये जो वेब सीरीज बना रहे हैं तो ये जितने भी वेब सीरीज बन रहे हैं उनको बनाने से पहले जैसे सेंसर बोर्ड का परमिशन लेना पड़ता है वैसे ही इंडियन आर्मी का परमिशन लेना पड़ेगा और ये अब उस प्रकार से कानून भी बन गया तो ये जो चीजें हैं, कि इस प्रकार से ये आ, आज कानून बन चुक बन चुका है तो ये जो कुछ चीज़ें हैं कि हम बदलाव कर सकते हैं हम इन चीजों को ला सकते हैं और ये एक मूवमेंट के रूप में जैसे ये न्यूज है प्रोड्यूसर्स विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री टू मेक अ मूवी और वेब सीरीज ऑन इंडियन आर्मी तो अब उनको परमिशन लेनी पड़ती है तो ये जो चीज़ है ये हमने यहाँ पर करके दिखाया जैसे ये चीजें चल रही है या ये चीजें जो है वो हमारे सामने आती है वैसे ही बहुत सारी चीजों का अन्य जो एक उदाहरण के रूप में कि सनी लियोन जो है किसी को पता नहीं थी लेकिन सनी लियोन को यहाँ पर लेकर के कौन आए तो बिग बॉस बिग बॉस में लेकर के आए और सनी लियोन जो है वो आ, एक समय पे सबसे भारत भारत का सबसे जो हाईएस्ट सर्च वर्ड है वो सनी लियोन था और उसको बिग बॉस में लेकर के आए तो 2012 से 2017 तक पांच साल भारत में हाईएस्ट सर्च गूगल वर्ड जो है वो सनी लियोन था तो जो लोग नहीं जानते थे उनको यहां पर लेकर के आए और ये जो चीजें हैं वो सारे लोगों के सामने रखी सनी लियोन फेमस हो गई उसके जो फिल्म है वो बहुत बड़ी मात्रा में चलने लगे और जब ये फिल्में सब चलने लगी तो अब वही सलमान खान जो बिग बॉस चलाता है उसका न्यूज क्या है सलमान खान बैट्स फॉर सेंसरशिप ऑन ओटीटी। टी मतलब ये उसको बिग बॉस में लेकर के आए और वो अब न्यूज क्या दे रहे हैं कि नहीं नहीं ओटीटी पर सेंसरशिप होना चाहिए वलगरिटी न्यूडिटी अब्यूज नीड टू स्टॉप बिकॉज वी लिव इन इंडिया अरे भाई सलमान खान को पहली बार पता चला हम इंडिया में रह रहे बिग बॉस में था तब पता नहीं था उसको हम भारत में रह रहे तो एक तरीके से कहना कुछ अलग है पैसे कमाने के लिए कुछ करना अलग है इनको हमको समझना होगा तो ये जो चीजें हैं ऐसी कई सारी चीजें सामने आती है लेकिन हमें उन सारी चीजों को करना पड़ता है भारत का पहला एफ आई आर ये हिंदू जन जागृति समिति के रनर रनराग्नि शाखा ने किया था तो ये सनी लियोन के अगेंस्ट पहला एफ आई आर हमारा दर्ज हुआ है और केवल इतना ही नहीं तो हमने ये भी कहा था कि उसको अब भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है नाउ हिंदू जन जागृति समिति वॉन्ट सनिओन डिपोर्टेड वो भारत की नागरिक है ही नहीं तो डिपोर्ट करो उसको ये हमारा उस समय पे डिमांड था तो ये जो चीजें है कि ऐसे लोगों को कि जिनकी भारत की संस्कृति भारत की परंपरा में कोई आवश्यकता ही नहीं है तो ऐसे लोगों को क्यों यहां रहना चाहिए तो ये जो चीजें है इन चीजों को हमने काफी बड़ी मात्रा में किया है और केवल यहाँ तक नहीं हमने ये जो पोस्टर्स होते हैं जो बहुत सारे व्लगर पोस्टर्स आते हैं तो ये व्लगर पोस्टर्स के अगेंस्ट भी हमने कंप्लेंट लॉन्च किए हैं उनको भी निकलवाया है और जैसे गोवा में बीच में कैसिनोज आ गए तो कैसिनोज के एडवर्टीजमेंट इतने गंदे स्वरूप में बड़े बड़े होर्डिंग के रूप में लगना चालू हो गए तो हिंदू जन जागृति समिति का रनरागिनी विंग था उसने वो जो पोस्टर्स या होर्डिंग्स लगाए थे उसको डांबर काला रंग लगा दिया और ये बताया कि ऐसे होर्डिंग हम नहीं सहेंगे और इसके माध्यम से आज गोवा में कोई भी कैसिनो इतनी हिम्मत नहीं करता है कि इस प्रकार के होर्डिंग लगाए अब तो ये जो चीज है कि हम कर सकते हैं हम सब साथ मिलकर के ये सारी चीजों को कर सकते हैं सिर्फ यही है कि हमें साथ में आना होगा आज जिसको इतना बड़ा हमारे यहां पर जो है पिकास ऑफ इंडिया कहा जाता है वो पिकास ऑफ इंडिया उसका ये सरस्वती माता का चित्र देखिए एम एफ हुसैन ये कहाँ से पिकास ऑफ इंडिया हो गया जिसको भारत हमारी सरस्वती माता नग्न दिखाई देती है फिर ये दुर्गा का चित्र देखिए इसके अगेंस्ट हमने 1250 कंप्लेंट्स फाइल किए थे और उसे भारत छोड़कर के कतर में भागना पड़ा तो ये जो चीजें हैं कि इनको हमें मैं क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें ये आप उसका भगवान शिव का चित्र देखिए तो ये भगवान शिव का चित्र जो है उसके अंदर कहां आर्ट आपको दिखाई देता है गंदगी है न्यूडिटी है लेकिन आप एक उदाहरण ध्यान में हमेशा रखिए कि जब हमने उसके साथ डायलॉग किया एम एफ हुसैन से काफी साल तक हमने लड़ाई लड़ी जब हमने उसको पूछा कि आपको सारे हमारे देवता भारत माता नग्न दिखाई देती है तो ऐसा क्यों है तो उसने कहा कि मैं खुद पंडरपुर का रहने वाला हूं तो मेरे मन में हिंदू देवताओं के प्रति इतनी पवित्रता है कि जहां पर पवित्रता होती है वहां पर कपड़े नहीं होते हैं, तो इसलिए मुझे वो शुद्ध रूप में दिखाई देती है तो उसी एम एफ हुसैन का ये जिस बुक में ये सारे चित्र है उसी बुक के अंदर दो और चित्र थे एक स्वयं की माँ का और स्वयं की बेटी का उनके पूरे कपड़े पहने थे नौवारी साड़ी तो हमने पूछा कि हिंदू देवता पवित्र है उसके लिए नग्न दिखाई देते हैं अपनी मां के बारे में क्या है उसको नववारी साड़ी पहनाई है तुमने क्या वो अपवित्र है तो इनका यह जो नकलीपन है उसको एक्सपोज करना चाहिए हमें उनको वास्तविकता में बताने की आवश्यकता है कि तुम्हारी असलियत क्या है क्योंकि यह पवित्रता और कुछ नहीं है यह केवल हमारे देवता हमारे धर्म इनको भ्रष्ट करके पैसा कमाने का माध्यम है यही चित्र विदेश में करोड़ों में बेचे जाते हैं और इसी के लिए ये सारी चीजें चलती है तो ये जो चीज चीजें हैं कि बॉलीवुड के अंदर तो आजकल यही हो गया कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी इसी के लिए आप देखिए पूनम पांडे ने ये कहा कि भारत का क्रिकेट टीम यदि वर्ल्ड कप जीतेगा तो मैं उनका स्वागत पूरे वस्त्र निकाल करके करूंगी हमारे मीडिया ने फ्रंट पेज पर छाप दिया भाई इसमें कौन सा बड़ा ऐसा महान कार्य वो करने वाली है कि फ्रंट पेज पे तब उस दिन आपको किसान का आंदोलन नहीं दिखाई दिया राम मंदिर का एक मंदिर बनने वाला था तो हमें इतने सारे सुझाव आ गए अस्पताल क्यों नहीं बना रहे हो ये क्यों नहीं बना रहे हो वो क्यों नहीं बना रहे हो तो मेरे लिए सवाल यह आ गया कि जिस दिन पूनम पांडे ने यह कहा तो ये मीडिया सो गई थी क्या इनको उस दिन ये याद नहीं आ गया किसान मर रहे हैं भारत की सेना के जवानों की स्थिति खराब है या हमारे देश में अन्य कई सारे समस्याएं हैं, उस दिन नहीं याद आया आपको तो ये जो दूसरों को जो सिखाने की बात है इससे इन्हें बचना चाहिए और इसके लिए आज हमारे सामने हमें लगता है कि ये सब जो हो रहा है तो एक बड़ा एक रिविलिंग आ, मैटर जो इसके बारे में है कि आज बॉलीवुड में मीटू की बात कहां से शुरू हो गई बॉलीवुड से हो गई कास्टिंग काउच की बात कहां से शुरू हो गई बॉलीवुड से शुरू हो गई लेकिन क्या एक अभिनेत्री आपने देखी है कि कास्टिंग काउच के लिए उसने छोड़ दिया बॉलीवुड मीटू के लिए छोड़ दिया बॉलीवुड और जिसके ऊपर आरोप किया एक आदमी को एक अभिनेता को सजा हो गई दिखाइए मुझे एक किसी को सजा नहीं हो रही है तो क्या मीटू भी पब्लिसिटी स्टंट है तो यदि उनको वास्तविकता में लगता है तो फिर वहां पर उसके लिए लड़ना भी चाहिए लेकिन ये सारी चीजें नहीं हो रही है और हमारे यहां पर अभी चौदह फरवरी हो गई चौदह फरवरी के दिन हमारे यहां पर यह कहा जाता है ये सेंट वैलेंटाइन डे है तो सेंट वैलेंटाइन यदि संत था तो संस्कार भी तो अच्छे होने चाहिए ना फिर सेंट वैलेंटाइन डे के मैं आपको एक न्यूज दिखा रहा हूं आप इसको पढ़िए कॉन्डोम सेल स्पाइक 30% परसेंट बिफोर वैलेंटाइन डे तो ये कौन सा संत है भाई कि जहां पर कॉन्डोम का सेल 30% परसेंट बढ़ रहा है ये आप यही न्यूज पढ़ लीजिए फॉरगेट चॉकलेट्स एंड केक्स कॉन्डोम सेल फिगर्स ऑन वैलेंटाइन डे विल शॉक यू अरे ये मुझे पता नहीं चला कौन से संत की ऐसे शिक्षा है कि जहां पर संस्कार नहीं होते हैं उस दिन तो कॉन्डम का सेल बढ़ रहा है तो ये जो चीजें हैं कि ये विदेशी जो चीजें हमारे यहाँ पर आ रही है ओ और जितनी भी सारी लेकिन उसका एक उदाहरण के रूप में यदि हम देखेंगे तो ये सारी जो चीजें है इसको यदि हम देखेंगे तो हमारे सामने बहुत स्पष्ट होता है कि ये कैसे हमारे सामने आ रहा है अब हमें लगेगा कि ये सब मैं जो आपको दिखा रहा हूं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि पोर्न इंडस्ट्री में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट चर्च की है मैं न्यूज दिखा रहा हूं आपको कैथोलिक चर्च मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग पोर्न और ये आपको यदि इसमें देखना है तो इसके अंदर जर्मनी में वेट बिल्ड नाम की कंपनी है जो इराटिक नॉवेल्स या फिल्म्स बनाती है उसका 100 परसेंट जो शेयर है वो जर्मन कैथोलिक चर्च के पास है उसका टर्न है 2.5 बिलियन डॉलर्स। कहां से आ रहा है पॉन इंडस्ट्री से आ रहा है तो ये यदि हम देखेंगे तो सेंट वैलेंटाइन को प्रमोट करेंगे ही ना क्योंकि इंडस्ट्री वो चला रहे हैं और इन बातों के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो सारी चीजें चल रही है या ये जो हमारी सारी चीजें आ रही है तो ये यदि इतनी बड़ी मात्रा में परोसी जा रही है तो उसके रोकने के लिए हमें काम करना होगा आज बहुत सारी चीजें हमारे यूनिवर्सिटीज में चलती है आपको शायद याद होगा जे में किस ऑफ लव कैंपेन चालू हुआ ये कैंपेन क्यों चालू हुआ था जे यूनिवर्सिटी के अंदर तो शिवसेना के कुछ लोगों ने जाकर के वहां के युवाओं की पिटाई की थी तो उसके विरोध में किस ऑफ लव का कैंपेन चालू हो गया कि कैसे कैंपेन चालू होते हैं और यूनिवर्सिटीज में सारे चल गए तो ये यदि हम उदाहरण देखेंगे तो यह किस ऑफ लव 2014 2018 ऐसे बहुत सारे उसके एपिसोड्स हैं तो जहां पर कोई संस्कृति के यदि बारे में बात करने के लिए प्रयास करेंगे तो क्या उसके लिए ये सारी चीजें करना आवश्यक है इसी के लिए यह एक लेफ्ट या वामपंथियों का एक बहुत बड़ा फील्ड है इसके अंदर क्योंकि वामपंथी तो धर्म और संस्कारों को मानते ही नहीं है और इसके लिए रिलीजन इज ओपियम फॉर देम तो इस दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके अंदर कई सारे लोग हैं विदेशी है हमारे देश के वामपंथी है या हमारे देश के विरोध में काम करने वाले हैं लेकिन अल्टीमेटली वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब हमारे बच्चों के मोबाइल पर आ रहा है तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं उसे हम नहीं रोक सकते उसको सरकार रोकेगी लेकिन हम अपने मोबाइल में जो आ रहा है उतना तो रोक सकते हैं इसके लिए हमें जो कार्य करना है तो वो कार्य हमें करना होगा और इसके लिए मुझे लगता है कि जो मुहिम आज उदय माहुरकर जी ने छेड़ी है उस मुहिम में सहभागी होना इस अभियान में सहभागी होना और इस अभियान में सहभागी होकर के उनके हाथ बटाना यह हम सभी का दायित्व है तो यही आह्वान करके मैं मेरे विषय को यहां पर समाप्त करता हूं धन्यवाद धन्यवाद रमेश जी बॉलीवुड की पोल खोल आज हमारे सामने रमेश जी ने रखी है आज इनके विचार सुनने के बाद हमें ये ये ध्यान में आया होगा कि अगर हम संगठित रूप से प्रयास करते हैं तो बड़े से बड़े आक्रमक क्यों ना हो हम उनको टक्कर दे सकते हैं सिर्फ टक्कर ही नहीं दे सकते लेकिन उन पर सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं यह विश्वास हमें जगाने हेतु रमेश शिंदे जी बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम के पश्चात एक इंटरैक्टिव सेशन भी रखा गया है यहां उपस्थित जो श्रोतागण है हमें जो भी प्रश्न इस विषय के संदर्भ में इस अभियान के संदर्भ में हमारे वक्ताओं को पूछने होंगे शंका निरसन करवा कर लेना होगा तो हम इस इंटरैक्टिव सेशन में वो पूछ सकते हैं आज इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पक्ष की माहिम विधानसभा अध्यक्षा श्रीमती अक्षदा तेंडुलकर जी उपस्थित हैं हम उनका व्यासपीठ पर सत्कार करेंगे मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप वैसपीठ पर या, या। हाँ। मैं विनती करती हूँ की भारतीय जनता पक्ष की माहिम विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्रीमती अक्षदा तेंडुलकर मैडम इनका सत्कार किया जाए माननीय श्रीमती अक्षदा तेंडुलकर जी इन्होंने आज का यह कार्यक्रम यशस्वी हो सफल हो इस हेतु हमें बहुत ही बड़ा सहयोग दिया है इस हेतु हम उनके आभारी है कुछ महीने पूर्व द कश्मीर फाइल्स यह मूवी रिलीज हुई थी हम सभी ने यह मूवी जरूर देखी होगी इस मूवी में इन द ईयर 1990 कैसे कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार कर उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा कश्मीरी पंडितों को यह चित्रण दिखाया गया था उस मूवी में दमदार भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री भाषा सुंबली जी आज कुछ अपरिहार्य कारणों से यहाँ नहीं उपस्थित रह पाई है उन्होंने उस संदर्भ में खेद व्यक्त किया है लेकिन आज के विषय के संदर्भ में हम उनके विचार एक वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं तो आइए सुनते हैं श्रीमती भाषा सुंबली जी इनके विचार नमस्कार दोस्तों कोई भी देश यदि विश्वगुरु बनना चाहता है तो ये आवश्यक हो जाता है कि उसकी जो युवा शक्ति है वो सजग हो सचेत हो राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो सांस्कृतिक चेतना से परिपूर्ण हो और नैतिक रूप से सुदृढ़ एक तेजस्वी युवा वाहिनी के रूप में उभर के सामने आए दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जो कला जगत है विशेषकर सिनेमा और ओटीटी, इसके माध्यम से समय समय पर हमारे सामने ऐसा कंटेंट आता रहा है जिसने हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम किया है उन्हें सांस्कृतिक चेतना से काटने का काम किया है संवेदनहीन बनाने का काम किया है स्त्रियों के प्रति उनकी मानसिकता में एक विकृति लाने का, का काम किया है और इस प्रकार के जो आपराधिक तत्वों को महिमामंडित करने का काम किया है ऐसे कॉन्टेंट्स पर एक कड़ी दृष्टि रखने की हमें बहुत ज़रूरत है और आज का ये जो आयोजन है इस प्रकार के अनसेंसर्ड और अनफिल्टर्ड कंटेंट के विरोध में जनता को जागरूक करने का इस आयोजन, आयोजन का जो ये उद्देश्य है ये राष्ट्र हित में मुझे लगता है बहुत ही जरूरी एक पहल है जिसका मैं पुरजोर समर्थन करती हूँ मित्रों ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि हमारे भारत की जो भोली भाली जनता है वो इतने वर्षों से बल्कि दशकों से इसी प्रकार का जो कंटेंट है जिसमें सिर्फ चेष्टाएं हैं कहीं ना कहीं बहुत ही सटल तरीके से हमारे राष्ट्र के विरोध में कुछ बातें कहने की या सनातन धर्म के विरोध में या भारतीय सेना के विरोध में और अश्लीलता तो है ही वो एक बहुत बड़ा विषय है ही इस तरह की बात चीजों को प्रोपिगेट करने का एक कुत्सित प्रयास किया जाता रहा है और भारतीय जनता ने उसे न केवल अनजाने में देखा है बल्कि सराहा है और ऐसे निर्माता निर्देशकों और सो कॉल्ड अभिनेताओं या कलाकारों को सराखों पर भी चढ़ाया लेकिन अब समय की ये मांग है कि जागरूकता जो है वो हमारे समाज में इस स्तर पर आए कि ये नया भारत है और नए भारत की नई जनता का जो जागरूक जनता का जो जनता जनार्दन का जनादेश है इसके सम्मान में कला जगत जो है जागे और भारतीय जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे समृद्ध और वैभवशाली देश के रूप में को प्रस्तुत करने का काम करे जय हिंद जय भारत चलिए एक आशा तो है कि भाषा सुमली जी जैसी अभिनेत्री भी यहाँ पर उपस्थित है कि जो यह हमारा जो कार्य है वो बॉलीवुड तक पहुँचाने का जो जो संदेश है वो कार्य करने वाली है आइए अब हम इस सत्र में आगे बढ़ते हैं अगला जो हमारा भाषण होगा मार्गदर्शन होगा वो होगा उदय माहौरकर जी का इस सारे कार्यक्रम की जो संकल्पना जिनकी है वो है आप उदय माहौरकर जी आइए उनका हम परिचय करवा कर लेते हैं आप भारत के पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं आप 33 वर्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत थे आप वरिष्ठ उपसंपादक के पद पर इंडिया टुडे जैसे प्रतिष्ठित माध्यम के लिए कार्यरत थे शासन के मोदी मॉडल के आप विशेषज्ञ हैं आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन के मॉडल पर दो महत्वपूर्ण किताबें मार्चिंग विद अ बिलियन और सेंटर स्टेज लिखी है जो प्रशासन पे मोदी पीएम मोदी जी के दृष्टिकोण का सार बताती हैं क्रांतिकारी वीर सावरकर पर आपकी विशेषज्ञता है सावरकर जी पर आपके द्वारा लिखित वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे, यह पुस्तक सावरकर जी को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह के रूप में स्थापित करती है आपको पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं उदय माहौरकर जी का मुझे लगता है कि देशभक्ति से वातावरण ओतप्रोत है तो मेरी जो शैली है उससे थोड़ा हटके मैं मेरे वक्तव्य की शुरुआत करना चाहूंगा वंदे मातरम जय महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जेम्स ऑफ बॉलीवुड जिसने बॉलीवुड का सही चेहरा लोगों के सामने लाने में एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले की है उसकी को फाउंडर और वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती स्वती गोयल शर्मा अगर हम देशभक्ति में क्रिकेट कैटेगराइज करते हैं और ट्रिपल प्लस कैटेगरी रखते हैं नंबर वन पे तो उसमें पहला नाम होगा रमेश शिंदे जी का मैं सनातन संस्था और हिंदू जन जागृति संधि को राष्ट्रवाद का जहां तक सवाल है बहुत ऊंचे पद पे देखता हूं दोस्तों ये विषय जो है ये भारत को कई सालों से सता रहा है जिसमें नाम की एक फिल्म आई थी आपको याद होगा 2004 के अंदर एक देशभक्तों की एक बैठक थी जिसमें मुझे भी बुलाया गया था उस टाइम पे मैं इंडिया टुडे में काम करता था और मुझे छुप के जाना पड़ता था यूपीए का जमाना था वहां पे यह मुद्दा मैंने रखा था कि मैंने कहा जिसमें फिल्म जो आई है इसकी जो अश्लीलता है इसमें जो एक स्त्री को बताया गया है जो अपने पति से बेवफादारी करती है और बड़ी गंदी टाइप की पूरी फिल्म थी उस उस जमाने का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उस टाइम पे मैंने बात की थी कि उस बैठक के अंदर कि मेरे जो भी समझ थी उस टाइम पे बहुत मेरी मेरा सोचने का तरीका कठोर होता है मैंने कहा था एक ऐसा एक कानून बनना चाहिए जो ड्रेस कोड को भी एक अंकित करे स्कर्ट पहनना है तो स्कर्ट कम से कम हमारे देश में क्रिश्चियन भी हैं तो स्कर्ट कम से कम नी नी तक का हो घुटने तक का हो ऊपर का भाग ढका हुआ हो और इसका उल्लंघन अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर एक्ट्रेस करते हैं तो उनको तीन तीन महीने की सजा हो जो भी मेरी समझ थी उस टाइम पे ये 2004 की बात कर रहा हूं 2004 2004 की बात ही है बड़े बड़े लोग बैठे थे नाम नहीं लूंगा देश के बड़े बड़े लोग तो कहूंगा। उसमें एक बहुत बड़े व्यक्ति थे देश के उस टाइम पे अब नहीं हमारे बीच में उन्होंने कहा कि उदय जी मैं आपकी बात का स्वागत कर, आपकी बात का स्वागत करता हूं मैंने कहा दो संस्थाएं बने एक संस्था पेरेंट्स की बने कहे कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं इस टाइप का मटेरियल देख के दूसरी संस्था युवाओं की बने और दोनों ही संस्था जो हैं इस मुद्दे के ऊपर बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन से काम करें उस टाइम पे जो एक बहुत बड़े व्यक्ति जिन्होंने मेरी सराहना की उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा ये वो है मैंने कहा हम इन पे केस कर सकते हैं एक छोटे छोटे गांव में अगर केस करते हैं तो भले उसको नहीं आना पड़ेगा स्टार को या प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को लेकिन उसको कम से कम वकील रोकने के पैसे तो खर्चने पड़ेंगे लेकिन कुछ आगे बात बड़ी नहीं मैं इस पर काम करता रहा करता रहा करता रहा और परिस्थिति बिगड़ती गई फिर फेसबुक आ गया खराब होता गया मामला पूरा अक्टूबर 2022 के अंदर मेरे एक मार्गदर्शक हैं जो श्री श्री रविशंकर के बहुत निकट के व्यक्ति हैं मैंने उनको बुलाया घर पे और मैंने कहा कि मैं बड़ा चिंतित तो हूं बिगड़ता क्योंकि ओटीटी आ चुका था और ओटीटी का आतंक तो आप जानते हो सांस्कृतिक आतंक मैंने क्या करें इसमें तो हमने दो घंटा चर्चा की दो घंटे के बाद में वो व्यक्ति ने मुझे रास्ता दिखाया उसने कहा कि अब संस्कृति खतरे में हम बात करेंगे कोई सुनने को तैयार नहीं है हमको इससे बलात्कार से इसको लिंक करना पड़ेगा अगर हम पब्लिक के सामने ये प्रूव कर सकते हैं कि बलात्कार ये बलात्कार का ये मुख्य कारण है कंटेंट तो फिर लोग डरेंगे और फिर लोग जुड़ेंगे आपसे तो वही मुद्दा मैंने उठाया भोपाल में इसकी शुरुआत की हमने 200 लोग आए थे वहां पे भोपाल में ज्यादा नहीं थे एक फिल्म रिलीज की मैंने फिल्म भी कैसे रिलीज की फिल्म के जो डायरेक्टर है और जो प्रोड्यूसर है वो माननीय प्रधानमंत्री से मिलके काम करते हैं बहुत अच्छी फिल्म देशभक्ति की फिल्में बनाते हैं तो मैंने जो डायरेक्टर है लेडी उसको कहा मैंने रेप के केसेस बताए किस टाइप के रेप के केसेस हो रहे हैं बच्चों हैं बच्चे कर रहे हैं बच्चियों पे हो रहे हैं तो वो बहन इतनी घबरा गई उसने ऐसी फिल्म बनाई मुझे ऐसा लगता था कि बिल्कुल मेरी बात उसके मन में उतर गई है वो दो मिनट हम देखेंगे आज उस फिल्म को दो मिनट की फिल्म है दो मिनट दो मिनट दो बीस सेकंड की उसमें एक लड़की है जो बात करती है ऐसे गंदी फिल्म बनाने वालों से और उनको कहती है कि आप परोस के चले जाते हो और बलि चढ़ती हम बेटियां नौ साल की तीन साल की छह साल की ग्यारह साल की क्या आपकी बेटी नहीं है आप देश के दुश्मन हो आप देश के विलन हो इस फिल्म के अंदर से भी मुझे काफी चेतना प्राप्त हुई जिस तरीके से उसको उसने दिखाया गया था आप देखेंगे वो फिल्म दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड में जाना जरूरी है थोड़ा सा मेन विषय पे आने के पहले हम कहां खड़े हैं अभी भारत आज कहां खड़ा है उसका हम पहले एक, एक उसका एक चित्र देखेंगे मैं मानता हूं कि भारत का यह सुवर्ण काल है शायद थोड़ी अतिशक्ति लगती होगी आपको लेकिन मुझे लगता है यह भारत का सुवर्ण काल यह भारत का पुनः जागरण का काल है एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अभूतपूर्व प्रगति न कर रहा हो एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने दो किताबें लिखी हैं तीसरी किताब उन पर लिखूंगा एक दो साल के अंदर तो मेरा मेरी नजर रहती कि मैं देखता हूं कि एक भी ऐसा क्षेत्र लगता नहीं है मुझे कहा यूपी आगे थी तो, अच्छा देखिए सुवर्ण पूर्ण जागरण की काल की में बात करता हूं तो यह सही में शुरू शु, इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी 1947 में आजादी के तुरंत बाद लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से गांधी जी का आ, 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 गांधी जी को मारा गया उसके बाद में बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में आ गई कि जो लोग भारत की संस्कृति में विश्वास नहीं करते थे कम करते थे या उसके विरुद्ध थे ऐसे लोग भी थे उस सरकारों में जो एंटी इंडिया थे पर थे उन उन सरकारों के बाग बने हुए थे तो जो हमारे संतों ने परिकल्पना की थी भारत की वो विवेकानंद हो श्री अरबिंदो हो दयानंद सरस्वती हो मेरे गुरु स्वामी प्राणवानंद जी भारत आश्रम संघ के संस्थापक बहुत बड़े संत वो हो उन्होंने एक ग्राउंड बना दिया था अगर गांधी जी की हत्या न होती तो शायद आ, हमें ये हमारा जो दस साल से जो प्रकृति का दौर चल रहा है उसके पहले ही शुरू हो सकता था लेकिन गांधी जी की हत्या उठा के गांधी जी के हत्यारे गांधी जी के हत्यारे कर करके जो देशभक्त उनको बदनाम किया गया परिणाम स्वरूप 60 साल से ज्यादा लग गए देशभक्तों को पावर में आने के लिए तो दोस्तों एक महान देश बनने की कगार पे हम खड़े हैं लेकिन सब में बड़ी चुनौती जो है हमारे सामने है वो हमारी संस्कृति बचाने की सं, चुनौती है मैं इसको एक असुरी ताकत कहता हूं इसका विवरण काफी दिया आ, संजीव नेवर जी ने किस फिल्म में आती हैं स्वती गोयल जी ने बताया देखिए ग्यारह साल के लड़के का रेप करना दस साल के लड़के का रेप करना अभी दस साल आठ साल के लड़कों ने रेप किया है पांच साल की लड़की भी अभी एक वीक के पहले वो जो फिल्म की बात चल रही है इतनी घिनौनी फिल्म है कि एक सुझाव था कि वो फिल्म यहां दिखाए तो मुझे लगा कि यहाँ वो फिल्म इवन दिखाने लायक नहीं है इतनी खराब है जिसमें एक पुरुष जो है वो व्यविचार कर रहा है अपनी दादी के आजी के साथ अपनी भाभी के साथ अपनी सोतेली मां के साथ और अपनी चचेरी बहन के साथ वो इतनी गंदी फिल्म है कि उसको कोई ने सुझाव दिया कि दिखाएं, लेकिन मैंने कहा ये अब नहीं दिखा सकते यहां पे संस्कृति से ओत प्रोत लोग आएंगे ऐसे कार्यक्रम में उनको हम ये फिल्म नहीं दिखा सकते तो हमारी फिल्म दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही इस टाइप की फिल्म लोग बच्चे अपने देख रहे हैं यह हालत है मैं मानता हूं कि भारत की समय बड़ी क्राइसिस है जो नुकसान अलाउद्दीन खिलजी इलतुतमिश सिकंदर लोदी मोहम्मद तुगलक फिरोज तुगलक औरंगजेब ने किया उससे ज्यादा नुकसान ये लोग कर रहे हैं जो नुकसान पाकिस्तान और चाइना ने किया उससे ज्यादा नुकसान ये लोग कर रहे हैं हमारे समाज को तोड़ने का कल उठ के एक अठारह साल का लड़का अगर अपनी वहीने के ऊपर ही गलत नजर कर डालने लगे तो क्या क्या देश का क्या होगा और हमारे क्या हम क्या बनेंगे हम हम चल पड़े हैं विष्णु बनने बनने के लिए क्या बनेंगे हम एक अठारह साल का लड़का अगर पेइंग गेस्ट के रूप में आता है सिटी में रहने के लिए बंबई या दिल्ली के अंदर और वो जब आता है जब वो जो घर की मालकिन है उसको मां या बहन के स्वरूप में देखता है अगर इस टाइप की फिल्म में देखेगा तो उसके मन में क्या विचार आएंगे इसकी आप कल्पना ही कर सकते हो तो यह एक है, ऐसा यज्ञ करके अगर हमने इस असुर ताकत को खत्म नहीं किया तो हम खुद खत्म हो जाएंगे और हम खत्म हो जाएंगे तो विश्व भी खत्म हो जाएगा क्योंकि विश्व देख रहा है भारत के उप, भारत, भारत के तरफ आज परिस्थिति क्या है आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है आज दो साल हो गए युद्ध बंद नहीं हो रहा हमस और इज़राइल का जो है इज़राइल की औरतों पे जो अत्याचार किया हमस ने उसको सिर्फ तीन मुसलमान देशों ने कंडेम किया सामने इज़राइल ने कम से कम दस हजार पेलेस्टाइन के लड़के मार चुके हैं अभी तक बच्चे कोई एक आवाज में बोलने वाला व्यक्ति नहीं है

कि आफ्रिक देशों को श्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से सम्मान मिला लेकिन अगर भारत ही भारत नहीं रहेगा तो क्या होगा तो यह समस्या सिर्फ भारत के लिए मानव जाति की भी समस्या है क्योंकि भारत का एक दायित्व है पूरी दुनिया को मानव पंथ पे लाने का विश्व गुरु का रोल प्ले करने का और वो दायित्व हम कब निभा पाएंगे हम जब भी निभा पाएंगे जब हम इन असूरी ताकतों को परास्त करेंगे देखिए जय महाराष्ट्र इसके लिए मैंने बोला कि महाराष्ट्र का एक अहम रोल है देश को उच्च स्थान में ले जाने के लिए आज देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हम सही तरीके से नहीं देख पाए जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ राज्य की जो लंबाई थी वो 1600 किलोमीटर की थी अनब्रोकन चौड़ाई कम थी मतलब दक्षिण गुजरात से उसका आरंभ होता था उसका अंत होता था चेन्नई के आगे जाके जिंजी किले के आगे जाके ये जो लंबाई है ये 1600 किलोमीटर की लंबाई है काबुल जहां से ये विदेशी आक्रमणकार आए जिसको हमारे इतिहासकार एक पुरुषार्थ के रूप में देखते हैं एक आ, एक एंटरप्राइजिंग वॉरियर के रूप में इनको देखते हैं आपको याद रहे कि काबुल से दिल्ली का अंतर जो है वो 1400 किलोमीटर है छत्रपति शिवाजी की जो राज्य की लंबाई थी उससे कम मोहम्मद घोरी घूर से आया आप माप लो आज तो आपके हाथ में साधन है घूर का जो लंबाई है दिल्ली से वो 1525 किलोमीटर है तो महाराष्ट्र का ये जो पूरा जो चुनौती भारत के सामने उसे महाराष्ट्र का एक मेन रोल है ये बात और है कि बॉलीवुड भी महाराष्ट्र में ही है लेकिन महाराष्ट्र का एक मेन रोल है देश को इस, इस आपत्ति से बचाने का दोस्तों गंभीरता की बात तो हमने कर ली कितनी गंभीर है परिस्थिति फिल्म का विवरण आ गया किसी फिल्म बन रही हैं ससुर बाहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, वे देवर का व्यभिचार, नौकर मालकिन का इस टाइप की फिल्म आती रहती हैं। ओटीटी जो प्लेटफॉर्म ने ये जो दौर शुरू किया उसके बाद में 700 ऐप फुट फूट निकले हैं सेवन एप्स जो बंबई और दिल्ली से ऑपरेट करते हैं वो वेशियाओं को हायर करते हैं दिल्ली के अंदर उनका जो सेंटर है वो है मीरठ मिरठ में वो छोटे छोटे घरों में स्टूडियो बने हैं शूटिंग करते हैं और रिलीज करते हैं रोज की तीस फिल्में रिलीज हो रही हैं इस टाइप की रोज की तीस फिल्में आ रही हैं और लोग बच्चों के फोन पे आ रही हैं कितनी गंभीर परिस्थिति है इसका अंदाजा आपको नहीं है यहां पे तो सांस्कृतिक पूरा माहौल है लोग ऐसे हैं इनको तो इसका अंदाजा और कम होगा क्योंकि क्योंकि मैं चौदह महीने से इसके अंदर घुसा हुआ हूं इसके लिए मुझे ये बात ये रिपोर्ट मेरे पास आती है सब मेरे जो देश में जो लोग भी इस टाइप का काम कर रहे हैं वो सब मेरे से जुड़ गए हैं ट्विटर के माध्यम से वो भी मुझे सूचना देते रहते हैं दोस्तों ये इस टाइप के फिल्म बनाना ये देशद्रोही प्रवृत्ति है और दूसरा कि हमने इतनी सारी स्टडीज इकट्ठा की है जो कम से कम आठ स्टडीज हैं जो ये साबित कर देती हैं कि रेपिस्ट का जो मेन इंस्टिगेटर है वो है कंटेंट टेट बंडी समय बड़ा रेपिस्ट किलर अमेरिका का उन्नीस में उसको मौत की सजा हुई थी दो दिन पहले उसने मरने से दो दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उसने कहा था विदाउट एक्सेप्शन पोर्नोग्राफी एंड सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट इज द मेन इंस्टिगेटर ऑफ द रेपिस्ट मेरे ख्याल से इस बारे में कोई शंका कोई को होनी नहीं चाहिए एफआईआर जो बनती है रेप की उसमें करीबन 80 परसेंट एफआईआर के अंदर लिखा ही होता है आरोपी के स्टेटमेंट में कि ये मैंने देखा और इससे मैं प्रेरित हुआ ये जो तीन दाखिले बताए इन्होंने एक प्रिंसिपल ने जो रेप किया छह लड़कियों डूंगरपुर में उसने भी यही स्टेटमेंट दिया अभी जो जो भाई ने अपने बहन पे रेप करके उसको मार दिया कासगंज में उसने भी यही स्टेटमेंट दिया और वो जो दो लड़के आठ साल के और दस, दस साल के दो लड़कों ने पांच साल की लड़की पे रेप किया उसके अंदर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यही निकल के आया कि वो कहीं से फोन लिया आए थे देख रहे थे ये सब विपस मामला और वो उससे प्रेरित होकर उन्होंने रेप किया तो ये एक एपिडेमिक है और जैसे मैंने कहा कि अगर इसको हमने नहीं रोका तो एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने से आई गई है अब तो आने की बात ही नहीं है जो चल रहा है आप गार्डन में जाइए दिल्ली के अंदर में छोटे गांव का मुझे मालूम में आप गार्डन में जाइए गार्डन में छोटे बच्चे जिससे घूमते हैं पंद्रह साल के सोलह साल के स्कूल के लड़का लड़की घूमते रहते हैं और विपक्ष पोजिशन के अंदर बैठते हैं वो तो खराब परिस्थिति है मेरे घर के पास लोधी गार्डन के अंदर मैं जाता हूं दोपहर में अब मेरी बहन आई थी बीच में तो मैंने कहा कि अक्का आप वहां जाइए दोपहर को तो वो गई वहां पे उनकी बेटी को लेके उन्होंने बोला कि उधर में वहां नहीं जा सकती क्यों बोले वहां पे तो बहुत खराब हालत है जिस तरीके से जो कपल बैठते हैं वो छोटी छोटी उम्र के बोले उनको कोई शर्म ही नहीं है तो इन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ के रखा है और रोज ये हर पल इस टाइप की फिल्म में डाल रहे हैं इसके लिए मैंने इसका एक तोड़ निकाला है वो है लॉ ऑफ एथिक्स कोड मैं ये कह रहा हूं कि एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने जो तय करे हर एक ऑडियो फिल्म के लिए मर्यादा परमिजिबल लिमिट सीन की थीम की कपड़ों की और भाषा की अपने प्रियम में वो कानून ये कहेगा कायदा ये कहेगा कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारियों ने नहीं किया भारत और भारत की संस्कृति को उससे ज्यादा नुकसान आप लोग कर रहे हो और कुछ धाराओं का उल्लंघन प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर एक्ट्रेस फोटोग्राफर स्टोरी राइटर डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रॉडकास्टर करता है तो उसपे रेप को बढ़ावा देने का चार्ज लगेगा उसपे देशद्रोही प्रवृत्ति का चार्ज लगेगा चार महीने में समरी ट्रायल होगी महीने में समरी ट्रायल होगी दस से बीस साल की सजा होगी अमेरिका के अंदर ड्रग पेंडले के अंदर तीस से पचास साल तक की सजा है हम उसी रूप में देश इसको देखेगा। दस से बीस साल की सजा होगी तीन साल तक बेल नहीं मिलेगी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है जो फोर नाइनटी एट ए के अंदर होता है आरोपी पे वो आरोपी पे होगा और जो मटेरियल डाला है मार्केट में वो मटेरियल भी बनाने वाले को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले को विड्रॉ करना पड़ेगा वरना वो जेल में जाएगा मैंने इसके बारे में कई लोगों से बात की कई संतों से बात की सबने मुझे कहा कि यह बिल्कुल सही है इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है क्योंकि जो वाघ है वो खून चाट चुका है उसको मालूम है कि हम ऐसा विभस परोसेंगे और पैसे आ जाएंगे उसको हमें मारना ही होगा इसके लिए हमने हमारा जो लोगो है ये लोगो है हमारा इसके अंदर धर्मो रक्षती ये गीता का श्लोक है और उसपे परशुराम का गंडासा है तो हम ये कहते हैं कि लड़ाई संविधान के आधार पे होगी लेकिन गंडासे वाली होगी कुआड़ी वाली होगी मतलब ये लोग जो है उनकी जगह जेल में है बड़े बड़े बंगलों में नहीं है आप देखो अभी लेटेस्ट आ, सनी लियोन को उन्होंने लेजिटिमाइज़ कर दिया, सनी लियोन को ठीक है अभी आज एक वीक पहले एक दूसरी फिल्म आई है जिसके अंदर रणवीर सिंह जॉनी सिंस नाम का सब में बड़ा पॉन स्टार है पॉर्न एक्टर है अमेरिका का कपड़े पहनता ही नहीं है समझो आप उसके साथ में उसने ऐड किए उसके ए, उस एड के अंदर जो दिखाया है थोड़ा अलग से उनको मालूम है कि सब जागरूक होगी ये प्रजा तो वो सीने से दिखाते नहीं है लेकिन उसका अर्थ यह है कि वो कुछ पिल, एक एक औरत जो रणवीर सिंह की वहीनी है भाभी है वो और ये ये जॉनी लीन जॉनी सीन सी ये पिल खाते हैं और फिर वो उसको पूछता है अब, अपना देवर अपनी भाभी को पूछता है कि कैसा लगा आपको तो वा घिनौना है मतलब अब ये सेकंड पाउंड स्टार को लेके आए तो बॉलीवुड भी इसके अंदर जवाबदार है तो प्रश्न देश के सामने ये है कि 2037 का टारगेट जो माननीय प्रधानमंत्री ने रखा है वो टारगेट विकसित भारत का टारगेट है मेरे मन में या कोई के मन में थोड़ी भी शंका नहीं है कि 2047 नहीं 2037 तक 2037 तक भारत एक सैनिकी महासत्ता होगा आर्थिक महासत्ता होगा वैज्ञानिक महासत्ता होगा लेकिन भारत के सामने प्रश्न यह है कि क्या भारत एक सांस्कृतिक रूप से एक कंगाल देश होगा यह प्रश्न हमारे सामने है अमेरिका के क्या हालत है अमेरिका में ऑन एन एवरेज बच्चे चौदह पंद्रह सोलह साल की उम्र में निकल जाते हैं शादी बिगे बच्चे पैदा करते हैं और फिर शादी करते हैं क्या हमें यह परिस्थिति देश में करना है अमेरिका के अंदर हर महीने एक शूटिंग है बच्चे का जो शूटिंग करते हर महीने एक है उसमें जो म, जिसमें मर जाते हैं वो पेपर में फ्रंट पेज पे आ जाता है हमारे यहां लेकिन कुछ डराने के लिए करते हैं कोई मारने के लिए करते हैं कुछ इंजर्ड करने के लिए करते हैं लेकिन रोज का एक शूटिंग है अमेरिका के अंदर बच्चे जो शूटिंग करते हैं मार डालते हैं सर रोज का एक शूटिंग है ये परिस्थिति हमें पैदा करनी है देश के अंदर अगर नहीं करनी है और दूसरा कि हम स्कूल के अंदर एक प्रतिज्ञा करते थे किताबों पे अभी भी वो प्रतिज्ञा लिखी हुई आती है कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं तो हमें क्या ये संवेदना नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए कि हमारे भाई और बहन बिगड़ रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा आप देश और भाई बहन की बात छोड़ दो आपका खुद का बच्चा ही सुरक्षित नहीं है भाई वो स्कूल भी जा रहा है अरे वो स्कूल में मार्क्स भी ला रहा है मंदिर भी जा रहा है पाव भी पड़ रहा है आपको लग रहा है संस्कृति रूप से वो काफी सज्ज है लेकिन वो रात को पौन भी देख रहा है और रात को ही विभस भी देख रहा है अभी एक राज परिवार के बहुत व्यक, बड़े व्यक्ति मेरे घर पे मिलने आए थे महारानी साहब भी आई थी तो मैं याद मेरा एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है तो मैंने उनसे बात की मैंने उनसे कहा कि मैं अभियान चला रहा हूं तो उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक स्कूल चलाती हूँ जो मेरी एक दोस्त है उसकी बेटी भी पढ़ती है मेरी दोस्त का एक दिन फोन आया कि महानी साहब मेरी बेटी सब सुबह रूम में से निकलती है एकदम थकी हुई होती है तो उन्होंने पूछा कि कितने साल की है तो बोले ग्यारह साल की है अच्छा आपने इसको अलग रूम दिया है बोले हाँ क्या रूम अंदर से बंद करती बोले हाँ तो एक काम करो दिन में जाके उस रूम में जाके पर्दे का एक हिस्सा खिड़की का खुला रख दो उसमें से देखो साढ़े ग्यारह बारह बजे के बाद में क्या देखती है तो जब वो साढ़े ग्यारह बारह बजे गई माँ तो वो बेटी ने सब लाइटें बंद कर रखी थी सिर पे चादर डाली थी और फोन पे वो कुछ देख रही थी उन्होंने सुबह फिर से फोन किया महाराणी साहब को महाराणी साहब ने कहा कि मेरा शक ठीक है ये विपस देख रही है लेकिन अब तुम उसको नॉक करके दरवाजा खोलने को कहोगे और कहोगे बता क्या देख रही तो बताएगी नहीं है इससे अच्छा ये उम्र में कम है बेटी ग्यारह साल की है इसको आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ट्रीट करो तो ये एडमिट कर लेगी उसने ने बुलाया बेटी को कहा कि बेटा तू रात को क्या तो बजे तक सुबह थक जाती है जब निकलती है नौ बजे घर रूम से बाहर आठ से नौ के बीच में जब बिल्कुल थकी हुई होती है तो परिस्थिति बड़ी गंभीर है की बात करें तो जब तक लॉस को नहीं बनता एक वैकल्पिक व्यवस्था भी हम सरकार को सुझाव करने वाले हैं हम ये कह रहे हैं कि ये जो भी विवश कंटेंट है जिसको बड़े उससे कहते हैं अडल्ट कंटेंट इसको कहना चाहिए नेगेट कंटेंट उसको एक ग्रुप में रखना चाहिए आईटी एक्ट में एमेंड आईटी एक्ट को एमेंड करके एक ग्रुप में रख के उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसको आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट से लिंक कर देना चाहिए ज्यादातर जा, ये एक्टिविटी लोग छुपके करते हैं और मैंने एक हमारे आईटी के एक्सपर्ट से बात की उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि ऐसा हो सकता है कि जिस वेबसाइट को एक्सेस किया उस, उस वेबसाइट का ही मैसेज आ जाए कि अभी आपने इस हमारे वेबसाइट को एक्सेस किया उसे बोला ये भी पॉसिबल है दूसरा कि खाड़ी के देश जो हैं साउथ कोरिया है सिंगापुर है, है ये अगर रोक सकते तो हम क्यों नहीं रोक सकते तो दोस्तों ये यज्ञ जो है वो हमारे देश को एक आपत्ति से बचाने का यज्ञ है हमारे देश को महान देश बनाने का यज्ञ है देखिए मैं जो 2002 की क्राइसिस हुई श्री नरेंद्र मोदी की मैं अकेला पत्रकार उनके साथ रहा था और उनकी जो 2002 से 2007 तक की जो आज पहली बार मैं कह रहा हूं जो उनकी विकास पुरुष की इमेज है वो सब मेरे ही लेख हैं मेरे लेख जो राष्ट्रवादी लोग थे उठाते थे और वो छापते थे समझे आप 2007, 2007, 2007 के बाद में उनको कई लोग उनके वो हो गए सपोर्टर्स uh, लेकिन जब दो तक तो मैं अकेला ही था देश में और जो किताबें दोनों लिखी है मैंने वो किताबें भी बड़ी अच्छी किताबें माने जाती हैं मतलब शीशी श्री रविशंकर जगदीश भगवती नारायण मूर्ति ऐसे सब सभी लोगों ने उसकी सराहना की है आ, बाद में मुझे श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आर कमिश्नर बनाया पर इस सब छोड़ के मैं एक ही काम में लग गया अब मुझे कोई जवाबदारी वो देते हैं तो भी मैं अच्छी तरह निभाऊंगा आरटीआई कमिश्नर के रूप में मैंने एक रिकॉर्ड किया भारत का चौदह साल में मैंने तीन साल में मैंने चौदह हजार चार सौ अपील डिस्पोज की जो हाईएस्ट है आरटीआई कमीशन इंफॉर्मेशन कमीशन की हिस्ट्री में और मेरा ये होता था कि मैं वीर सावरकर को फॉलो करता हूं वीर सावरकर के राष्ट्र प्रथम को तो मेरा ये होता था कि कोई भी व्यक्ति जो न्याय का हकदार है वो आदमी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए तो कई लोग मेरे जो लॉ ऑफिसर थे वो डर जाते थे कि साहब ये तो बिल्कुल न्याय के विरुद्ध में ये सेक्शन मेरे सेक्शन जानता नहीं हो मैं कन्विंस हो कि आदमी को न्याय मिलना चाहिए इसको मिलना ही चाहिए और मेरा लास्ट जो केस था लास्ट केस एक ब्राह्मण का था वो ब्राह्मण मुझे इतने आशीर्वाद देके गया मैंने उसके फेवर में मेरा जो लॉ ऑफिसर था क्योंकि हम लोग तो लॉ के एक्सपर्ट नहीं होते हमको लॉ ऑफिसर गाइड करता है उसने बोला कि साहब ये नहीं कर सकते मैंने कहा इसको देना ही पड़ेगा ये बिल्कुल सही आदमी है एकदम तो। सही लगता है तेरे को बोले हाँ मुझे लगता है सही। नहीं है सही सीधी बात तो देखिए ऐसा सरकार जाएगी कोर्ट के अंदर सरकार जो है ना कोर्ट के अंदर चैलेंज करेगी सरकार तो ये सब छोड़ के मैं इसमें क्यों आया मैं इसकी आया कि मेरे जो पूर्वज थे भिखाजी राव सरदार भिखाजी राव वो पानीपत की लड़ाई में लड़े थे उसमें जख्मी होके वापस आए थे और बाद में वो ही राव बदामी किले की लड़ाई हुई सत्रह सो उनके भाई विहार जी उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे टीपू सुल्तान खुद नहीं था उसमें उसका एक जनरल था बद्रुद्दीन जमा उसके सामने लड़े थे वो लड़ाई बड़ी फेमस लड़ाई है। तो मैं मानता हूं कि जब मैं छोटा था उस टाइम पे मुझे एक बच्चों को फैंटेसी आती है तो मुझे एक बड़ी यूनिक टाइप की फैंटेसी आती थी जब मैं आठवीं नौवीं में था कि अगर खंडोबा जो मेरे आ, आ, कुल देवता हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और मुझे कहते हैं कि बेटा मांग क्या चाहिए तेरे को तो मैं कहूँगा मेरी पंद्रह मिनट की भेंट अब छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज से करवा दीजिए और पंद्रह मिनट की राणा प्रताप से करवा दीजिए इसके लिए मैंने ये नेम ली है कि मुझे कोई अगर जवाबदारी मिलती है सरकार तरफ से मैं जवाबदारी अच्छी तरह निभाऊंगा एकदम देशभक्ति से निभाऊंगा लेकिन यह काम छोड़ूंगा नहीं ये काम जब ही बंद होगा तब मुझे लगेगा कि ये ये सब जो व्यक्ति हैं जो लोग जेल में रहने लायक वो जेल में पहुंच चुके हैं तभी बंद होगा बाकी ही बंद नहीं होगा मेरी वाणी को मैं यहां विराम देता हूं धन्यवाद उदय माहौरकर जी उदय माहौरकर जी ने जिस प्रकार से हमारे सन्मुख वक्तव्य रखा है और आप सभी ने जिस प्रकार से इसमें पार्टिसिपेट किया तो आप सभी का जोरदार ताली के साथ अभिनंदन कार्यक्रम का समापन हम वंदे मातरम से करने वाले हैं तो उसके पूर्व कुछ सूचनाएं हैं है कि आपको आप सभी को आपके मोबाइल पर एक व्हाट्सअप पर एक लिंक आई होगी तो वो नंबर आप शेयर कर लीजिए उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फीडबैक फॉर्म मिलेगा और फीडबैक फॉर्म अवश्य भरे इस फीडबैक फॉर्म के माध्यम से ये जो हम आंदोलन करने जा रहे हैं मुहिम छेड़ने जा रहे हैं तो आप सभी का सहभाग आगे हमें इस फीडबैक फॉर्म से मिलने वाला है तो आप अवश्य वो भरे ऑनलाइन जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए भी सूचना है वहां पर लिंक में जो कम, कमेंट बॉक्स है वहां पर वो फीडबैक फॉर्म की लिंक दी गई है वो आप अवश्य भरें और ऑनलाइन में हम अब संजीव नेवर जी का वीडियो हम प्ले करने वाले हैं तो हम वो वीडियो ऑनलाइन देखते हैं अगला कार्यक्रम पर प्रारंभ रहेगा। नमस्ते आप सबका इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हार्दिक अभिनंदन आज एक बहुत ही आवश्यक बात करने वाले हैं हम एक ऐसे खतरे के विषय में एक ऐसे आतंकवाद के विषय में जो मेरे विचार में इस समय जितने भी आतंकवाद के प्रकार आए हैं उनमें सबसे खतरनाक है और वह है मनोरंजन के नाम पर व्यभिचार अश्लीलता फैलाकर इस समाज को एक अपराधी समाज बनाना आपको कुछ उदाहरण देता हूं मैं आठ और दस साल के बच्चों ने एक पांच साल की स्कूल की लड़की का बलात्कार कर दिया क्योंकि उनको ओ में गंदे गंदे कंटेंट प्राप्त होते थे उसको देखते थे बुद्धि भ्रष्ट हो गई आठ साल के बच्चे अर्थात हमारे प्राइमरी स्कूल में भी बच्चे अब सुरक्षित नहीं है अपने सहपाठियों से भी उन्नीस साल का एक नौजवान अपनी छोटी बहन माइनर बहन आठ या दस साल की बहन का बलात्कार करके उसको जान से मार देता है क्यों क्योंकि ओ और स्ट्रीमिंग मीडिया मोबाइल में जो गंदे कॉन्टेंट उसको प्राप्त होते हैं उसके कारण वो हवस का ऐसा पागल हो गया कि अपने आप को रोक नहीं पाया एक प्रिंसिपल राजस्थान में डूंगरपुर में कोई शहर की बात नहीं कर रहा जो कोई बड़े शहर की बात नहीं कर रहा डूंगरपुर में एक प्रिंसिपल अपनी ही कनेक्ट छात्राओं का बलात्कार कर देता है क्योंकि वह इस विभत्स कंटेंट को देखकर रोक नहीं पाया ये तो कुछ घटनाएं हैं जो सामने आई हैं लेकिन ऐसे कितनी 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 घटनाएं कहां कहां पर हो रही है किस प्रकार से छेड़खान हो रहे हैं छेड़खानी हो रही है किस प्रकार से अश्लीलता के साथ में बच्चों को इसका बलि बनाया जा रहा है इसका कोई अनुमान आप नहीं लगा सकते ये कंटेंट बनाने वाले तो खुद सिक्योरिटी में रहते हैं और उनको कोई अंतर नहीं पड़ता कोई बेशरम रंग करके अर्धनग्न होकर या पूर्ण नग्न होकर भी कोई नृत्य कर दे तो वो तो सिक्योरिटी के साथ रहते हैं मगर उसका जो उस पागलपन के उस अश्लीलता उस नीच हरकत के सृजनात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर जो नीचता की जा रही है उसका फल भुगतना पड़ता है उन निर्दोष बेटियों को उन निर्दोष बहनों को जो सड़क पर बिना सिक्योरिटी के ट्रैवल करती है जिनको इस प्रकार के सड़क छाप रोमियो और सड़क के बादशाहों के साथ में जिनको झेलना पड़ता है अपने आप को नष्ट करते हैं एक बहुत सड़क छाप फिल्म आई थी कुछ समय पहले नाम था बाजीकर चोरी की हुई फिल्म एक एक सीन किसी विदेशी थर्ड क्लास फिल्म से चोरी किया हुआ म्यूजिक चोरी किया हुआ और गंदगी और उसके भीतर में एक सीन उन्होंने बड़ा दिखाया कि कैसे एक लड़की को मार के जो एक जो उस फिल्म का नायक है थोड़ा हकला के बोलने वाला वो किस प्रकार से सूटकेस के अंदर में एक लड़की को काट के डालता है और उसके बाद में उसको नदी में फेंक देता है और पता नहीं कितने इस प्रकार के सूटकेस कांड आज तक हो रहे हैं तो ये ना कोई सृजनात्मक अभिव्यक्ति थी ना कोई इसमें कोई आर्ट वगैरह क्योंकि सब तो चोरी किया हुआ माल है आप मुंबई में हो मुंबई में जो कथित बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है यह चोरी की इंडस्ट्री है इसमें जितना कुछ भी है वो कहीं ना कहीं से म्यूजिक चोरी है कहीं से सीन चोरी है हाँ जो ओरिजिनल है वो ये है लड़कियों को कैसे छेड़ना कैसे आपराधिक कार्य करना कैसे हिंदुओं का अपमान करना इस प्रकार के बातों को छोड़कर जिसम की गर्मी देने के नाम पर बलात्कार को किस प्रकार से महान कार्य के रूप में सिद्ध करना यही यही इनका इनोवेटिव योगदान है ये कहीं से कोई सॉफ्ट पावर नहीं है ये पाप का पावर है और इनको हमने बहुत चढ़ा दिया हमें लगा कि लोग इनके पीछे भागते हैं पूरा की पूरी मैकेनिज्म ये ये जो पाकिस्तान से, ये ये पाकिस्तान से का का लाहौर इंडस्ट्री था जो इधर आया था स्वतंत्रता के बाद में कैफी आजमी जी शबाना आजमी के पिताजी वो तो ये कह रहे थे अब अगली ईद पाकिस्तान में लिख रहे थे मगर फिर लगा कि वहां पर बिजनेस नहीं चलेगा इधर आकर उन्होंने फिल्म में कर चले हम फिदा जान तन साथियों लिख दिया तो यह कमर्शियल गिमिक था इसके साथ में ऐसा मेरा मानना है और इसके साथ में इन्होंने व्यविचार पहले तो उर्दू को प्रमोट किया उर्दू इस प्रकार से प्रमोट किया कि मुंबई में रहते हुए विश्व की एक सबसे उन्नत संस्कृति विश्व की एक सर्वोच्च उच्च स्तर की भाषा मराठी भाषा जिसके बोलने वाले भी विश्व के कुछ अधिक लोगों में ही आते हैं इतना समृद्ध संस्कृति ये दुर्गति कि आज मुंबई में रहकर विश्व की उस सर्वोच्च संस्कृति के परिचायक संस्कृति के छाव में रहकर वहां पर अपनी दाल रोटी कमाकर उनके टुकड़ों पे पलकर आज भी मराठी सिनेमा मराठी संस्कृति वगैरह उन सब का सारा यश सब कुछ खींचकर अपना उर्दूकरण इश्क मोहब्बत ये इश्क मोहब्बत और प्यार बस यही सब प्यार भी नहीं इश्क मोहब्बत जानशी बस यही सब चल गया मराठी संस्कृति कहीं कहीं पे पूरे पूरे के पूरे बॉलीवुड में आपको कहीं नहीं दिखेगा कि मराठी संस्कृति को किसी प्रखर रूप से इतने वर्षों में प्रचारित किया ये विश्व का मेरे विचार में एकमात्र उदाहरण होगा कि जहां पे जिस देश में जिस स्थान पर आप रहते हो उसकी संस्कृति का एक भाग भी आपने अपने भीतर समाविष्ट नहीं किया और उल्टा उनका खाकर ये तो ये तो टेप वर्म ये तो पैरासाइटिक बिहेवियर है तो वो इन्होंने किया है वरना कोई कहीं पे जाता है वहां की संस्कृति को वैसे ही अपना लेता है जो भारतीय अंग्रेज अंग्रेजी देशों में रहते हैं यूरोप में रहते हैं वो वहां की भाषा बोलना आरंभ कर देते हैं लेकिन यहाँ वालों की भाषा भी कुछ परिवर्तित नहीं हुई यहाँ के स्क्रिप्ट पहले उर्दू में लिख के दिए जाते थे उर्दू लिपि में अब आप आजकल अंग्रेजी में लिखी जाती है देवनागरी आती नहीं है कहने को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है हिंदी भी देवनागरी में है मराठी भी फिल्म देवनागरी में है मराठी की तो ये स्थिति करी कि मराठी संस्कृति में से इनको दिखाने के लिए क्या मिला कि पांडुरंग भगवान जिनकी हम उपासना करते हैं उसके नाम पर एक उपास उड़ाने के लिए पांडु हवलदार इनके हर दूसरे फिल्म में कॉमेडी के रूप में या कोई काम वाली बाई ये मराठी संस्कृति है तो ये ये इस प्रकार की मनोवृत्ति किस प्रकार की पैरासाइटिक निचोड़ने वाली खून चूसने वाली मनोवृत्ति ये मनोवृत्ति के लोग हैं इन्होंने अश्लीलता पहले फैलाना आरंभ किया आरंभ किया उर्दू को इम्पोज किया मराठी को सर्वनाश किया और इनमें से जो लोग मराठी इंडस्ट्री के लोग भी जो यहाँ पर फिल्म में आए हिंदी में बड़ा करने के लिए तो दुख होता है कि उन लोगों ने भी अपनी मराठी संस्कृति को कही कहीं ना कहीं त्याग करिए उर्दू गुड़ के नशे में रह गए तो और आज इतना बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री उस क्षेत्र से ऑपरेट करता है जिस क्षेत्र ने विश्व को सबसे समृद्ध संस्कृति सबसे समृद्ध भाषा दी मराठी संस्कृति मराठी भाषा और आज वो ना होकर सड़क छाप विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है विश्व की सबसे घटिया सबसे लो क्वालिटी फिल्म बनाने वाली इंडस्ट्री भी यही बॉलीवुड है क्योंकि इनको आर्ट वर्ट से कोई लेना देना नहीं है जो इस मनोवृत्ति के साथ में वहां पर एजेंडा के साथ काम कर रहे थे वही यहां पे चल रहा है मराठी संस्कृति हिंदू संस्कृति हिंदू देवी देवताओं का अपमान हिंदू त्योहारों का अपमान जहां पर दीवार फिल्म में शिव मंदिर में तो मंदिर में तो नहीं जाएंगे लेकिन सात उनकी रक्षा करता है यही मनोवृत्ति सदा से रही है ये एक एकमात्र ये रहा और अश्लीलता जो फैलाना इन्होंने आरंभ किया उसके बाद अश्लीलता को परोसना आरंभ किया और अब ये ओ के माध्यम से एक अलग स्तर पर पहुंच गया है क्योंकि ओ में सेंसर बोर्ड का भी कोई प्रेशर नहीं है एक एक बालाजी के ऊपर हमने कंप्लेन किया है कि एक व्यक्ति का एक युवक का अनैतिक संबंध उसकी दादी के साथ उसकी भाभी के साथ उसकी सौतेली माँ के साथ उसकी चचेरी बहन के साथ है और जब हमने कंप्लेन किया तो जो निर्लज उत्तर उनके वकील ने दिया ये सेकंड लेवल पे अभी चल रही है जुडिशरी कमीशन के ऊपर में तो वो कहते हैं कि ये तो एक फिल्म में शूटिंग के सीन के अंदर में हमने दिखाया तो इसलिए इंसेस्ट नहीं है आप सोचिए एक और हमने अभी जेम्स ऑफ बॉलीवुड में मैं जेम्स ऑफ बॉलीवुड चलाता हूँ जम्स ऑफ बॉलीवुड में हम इस प्रकार के जो इनके कुकृत्य है उनको स्पष्ट करके दिखाते हैं और लोगों से प्रश्न करते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए विचार करते हैं अवेयरनेस फैलाते हैं तो हमने उसमें डाला था कि जहां पर एक ससुर अपनी बहू के साथ व्यभिचार कर रहा है और उसको देखकर उस ससुर की पत्नी कहती है कि तुम अगर निर्लज हो गए तो मैं भी अपने बेटे के साथ व्यभिचार करती हूं आप सोचिए एक और मैं एक विवाहिता स्त्री जिसका नाम रुक्मणी है वह अपने यहां पर अपनी काम इच्छा को पूरा करने के लिए एक पुरुष को बुलाती है जिसका जिसका व्यवसाय ही स्त्रियों के पास जाकर उनकी काम इच्छा पूरा करना है और वह उस पुरुष का नाम है मोहन तो केवल हिंदू देवी देवता हिंदू समाज हिंदू संस्कृति इस पे ही कुटारा गाती है जो बालाजी वाला कंप्लेन किया उसमें भी ये सारे जो ये दादी और ये सारे ये पूजा की थाली के साथ में उसका स्वागत करते हैं और फिर स्पष्ट एक्सप्लिसिट दृश्यों के साथ में इनका संभोग करते इनको दिखाया गया इस तरह की अश्लीलता दिखाई है और अब दुख की बात है कि ऐसे आर्ट बालाजी के प्रोड्यूसर्स को उसके फाउंडर्स को हम पद्मश्री अवार्ड दे देते हैं उनको अवार्ड उनको हम ग्लोरीफाई करते हैं ये आग ये आग आपको नष्ट करेगी आज बॉलीवुड के भी बहुत सारे लोग जो कल तक हर प्रकार की उलझल फिल्में बनाते थे उसका पार्ट थे वो अवेखन कर रहे हैं उनको रियलाइज हो रहा है कि ये जो कचरा है अब ये उनके ही परिवार को नष्ट कर रहा है उनकी अगली जनरेशन नष्ट हो रही है तो ये ये अब एक पैंडेमिक बन गया है कोविड से बड़ा पैंडेमिक बन गया है बच्चे जो है ना ये बच्चे उस मोबाइल जिस जिस मोबाइल में माता पिता गंदा ये कंटेंट देखते हैं उसी मोबाइल में बच्चे स्कूल की कक्षा लेते हैं वहीं पर स्कूल की पढ़ाई करते हैं उसी में यूपीआई होता है जिसके साथ में अगर कुछ एसेंशियल काम करना हो तो पेमेंट करना हो वहीं पर उनको नॉलेज मिलता है वहीं पर प्रधानमंत्री जी के एग्जाम वॉरियर का भी स्ट्रीमिंग उसी के ऊपर देखते हैं अब आप सोचिए और उसी के भीतर में उनको जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं जहां पे सारी एसेंशियल सर्विसेज है जहां पे गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज अवेलेबल है वहीं पर वो बैठकर वो ऑल्ट बालाजी या उल्लू ऐप का ये सड़क छाप घटिया कॉन्टेंट देखता है और उसको रोकने का कोई प्रयोजन नहीं है सरकार ने एक रेगुलेशन प्रस्ताव बिल अभी ड्राफ्ट के रूप में रखा है हमने उसके ऊपर अपने सुझाव दिए हैं सरकार का यह कदम अच्छा है पर सफिशिएंट नहीं है क्यों क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओ वाले सेल्फ रेगुलेट करेंगे अरे जो गांजा ड्रग अफीम बेचने का धंधा कर रहा है वो क्या अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करेगा उसको तो अपना धंधा करना है उन्होंने कहा कि ये जो ओ का पूरा मैकेनिज्म होगा इसको हेड करेगा एक बड़ा ही वरिष्ठ व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री का हम कहते हैं बिल्कुल मूर्खता की बात है ये अज्ञान की बात है आपका आशय अच्छा है पर आप सोचकर काम नहीं कर रहे हो आपका ये काम कारगर नहीं होगा क्योंकि जो फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसका इतिहास कचरा ही प्रोड्यूस करने का रहा है सबसे लो क्वालिटी फिल्म इंडस्ट्री कोई एजेंडा नहीं कोई स्टोरी नहीं या तो चोरी किया है या कचरा दिखाया है हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं वहां का एक्सपर्ट से एक्सपर्ट भी कहीं ना कहीं वहां से रंगा हुआ है चूंकि समस्या लोगों की समस्या है ओ का कचरा जो है लोगों को प्रभावित करता है तो जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वहां से लोगों को रखना चाहिए इस प्रकार का जो भी आप मैकेनिज्म बनाते हो उसकी अध्यक्षता करने के लिए लोगों का एक व्यक्ति होना चाहिए कोई समाज में कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो इस प्रकार के कंटेंट के ऊपर में उसने प्रश्नांगुली पहले उठाए हैं वैसा व्यक्ति होना चाहिए ये रिप्रेजेंटेटिव हमें सिनेमा या समाज का या ओटीटी का या ये ये ओटीटी या सिनेमा का हमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए हमें समाज का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए हमारे लोगों को जो का जो वॉइस बने कोई आर्ट कोई, कोई 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 थर्ड क्लास आर्ट है ये वर्ल्ड सिनेमा में भी आर्ट के नाम पे सब कुछ नष्ट हो रहा है इसके ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ना कभी मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूं ना कभी आर्ट था ना कभी आर्ट रहा है ये तो प्रसिद्धि हुए हैं कि कभी कोई टेरर के मामले में फंस गया कहीं पे कोई आतंकवादी को प्रेशर दे रहा है कहीं पे कोई ड्रग के कहानियां निकल रही है कहीं पे अश्लील ये काम कर रहे हैं कहीं पे वो ए, अब फॉर्न आर्टिस्ट को बुलाकर एक सड़क छाप एक लुच्चा कोई आप लोगों का है वो पॉर्न आर्टिस्ट को बुलाकर एड कर रहा है तो ये तो गंदी नाली के कीड़े इनके एक हम पिक्चर आई थी उसमें अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग था गंदी नाली के कीड़े तो ये ये उन्हीं के ऊपर परिलक्षित होता है इस इंडस्ट्री के ऊपर में तो यहाँ के लोग नहीं चाहिए समाज का व्यक्ति चाहिए और इस इंडस्ट्री से भी लोग निकलने का प्रयास कर रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा कि इंडस्ट्री में सारे लोग खराब है मगर एक जब दिशा एक इस प्रकार की हो जाती है सिस्टम बन जाता है तो जो अच्छा होता है उसको भी झक मार के सर्वाइव करने के लिए वैसा करना पड़ता है तो बहुत लोग निकल रहे हैं इससे निकले हमें ओ टी ऐसा चाहिए कि जिसके भीतर में समाज का व्यक्ति रिप्रेजेंट करे विशेष रूप से हिंदू समाज के ऊपर बार 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 कुठाराघात किया जाता है सत्य यह है कि सबसे अधिक यौन शोषण के जो समाचार विश्व भर में प्राप्त हुए हैं वो चर्च से भी प्राप्त हुए हैं वो आपके दरगाहों और मदरसों से भी प्राप्त हुए हैं पर यहां पर केवल हिंदू गुरुओं को ही किया जाता है, तो इसलिए धार्मिक लोगों के संगठन भी इसको देखे कितने सारे व्यभिचार ऐसे दिखा रहे अश्लील रूप से कुछ भी की हिंदू की दो चार केस है मैं ये नहीं कहता कि, कि यहाँ पे सिंह के ख्याल में सारे सिंह है कुछ भिड़िए भी होंगे पूर्णता स्वीकारे हैं पर केवल हिंदुओं को अटैक करके दिखाना ये कहां तक उचित है 99 हमारे साधु संत सज्जन 99.9% परसेंट अपने जीवन को त्याग के बलिदान करके समाज का कार्य करते हैं ईश्वपासना करते हैं सात्विकता प्राणाधार है जहां पर सत्व मन कर्म वचन का वहां पर आप केवल वो करके पूरे के पूरे उसको विलनाइज़ करते हो ये उचित नहीं है और अब ये स्थिति हो गई है कि इससे इंस्पायर करके अब एक फिल्मी रील का एक नया कल्चर अब गंदा चालू हो चुका है इन सड़क छाप फिल्म वालों को देखकर ओटीटी वालों को देखकर YouTube, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और टिकटॉक आदि में सस्ती पब्लिसिटी और कुछ मोनेटाइजेशन के प्रलोभन से हमारे समाज के हर वर्ग के लोग सर्वनाश कर रहे हैं अभी हमने चाइल्ड कमीशन को कंप्लेन किया था यूट्यूब में वीडियो इस पे आ रहे हैं कि माँ अपने बच्चों के साथ में लिप किस के वीडियोज बना बना के डाल रही है लिपलॉक लिपलॉक आप देखोगे कितने सारे वीडियो हैं माँ अपने बच्चों के सामने या बच्चों के साथ में कुछ चेष्टा करते हुए अश्लील सेक्सुअल प्रकार का सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट क्रिएट करके डाल रही है तो ये कल्चर हो गया माँ बेटे के रिलेशन को भी सर्वनाश कर दिया तो ये पागलपन इस प्रकार का चल रहा है ये पेंडेमिक है कितने को हम कंप्लेन करेंगे ये जो इन्होंने सरकार ने अभी थ्री टीयर मैकेनिज्म बनाया है कंप्लेन करने का ओटीटी के विरुद्ध हमने उसमें कंप्लेन किया दूसरे चरण में है वो मैकेनिज्म इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक दो मिनट के ऑब्जेक्शनेबल सीन के ऊपर कंप्लेन करने में आपके घंटों 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 लग जाए तो जहां पे हजारों लाखों घंटों का जा जा रहा रहा, हुए, जारा, हुए जारा, उसका क्रिएट्लेन करें कैसे? ये नहीं, ये आ, ये नहीं, यज्ञ है ये आपके हमारे बच्चों की भविष्य का प्रश्न है ऐसा नहीं हो कि आप अपने सस्ते सड़क छाप एंटरटेनमेंट की आसक्ति के कारण इस एडिक्शन के कारण में अपने बच्चों को रेप विक्टिम बना रहे हो आज नहीं कल के लिए क्योंकि तो इसको देख कर आपके सड़क पर देख देख के पता नहीं सड़क में कितने कितने लोग सेक्सुअली परवर्ट होकर घूम रहे हैं और जो सेक्सुअल विक्टिम है उनको यह दिखाया जा रहा है कि अगर तुम्हारे ऊपर सेक्सुअल असोल्ट होता है तो तुम्हारे लिए तो प्रसन्नता की बात है उल्लू ऐप का एक इतना गंदा एक स्कूल के बच्चों में दिखा रहा है कि लड़की प्रसन्न हो रही है कि स्कूल में एक लड़का उसको गलत गंदी नजर से देखता है और वो चली आती है कि तुम मेरे को गंदी नजर से देखता हो मेरे साथ संभोग करो और अब ये उल्लू ऐप आईपीओ लेकर आ रहा है अब आपके मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज से करोड़ों रुपए इकट्ठा करेगा इस प्रकार का कंटेंट को और फैलाने के लिए तो आप सोचो करोड़ों करोड़ों रुपए के कंटेंट आईपीओ बन बन के इसी के ऊपर अब आएंगे कि इस मोलिस्टेशन का विक्टिम बने वो तो गर्व करे कि मैं विक्टिम बन गया उसको ड्रग्स और वो सबको ग्लोरीफाई करे एक हमने कोई किया था जिसके अंदर में उसके ऊपर कंप्लेन भी किया उसमें पूजा भट्ट जी भी थी बॉम्बे बेगम नाम का एक सीरीज था नेटफ्लिक्स का हमने चाइल्ड कमीशन में कंप्लेन किया बच्चों को गांजा फूकना सिखा रहे हैं ट्रग लेना सिखा रहे हैं उनको ये सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपने टीन के अंदर में प्रवेश करो और किस प्रकार से संभोग के पीछे भागो किस प्रकार से ये सपने देखो कि कोई आपको भगा के ले जाए तो ये ये समाज का निर्माण कर रहे हैं हम तो ये यज्ञ है इसीलिए हम साथ में आए हैं मैं जेम्स ऑफ बॉलीवुड चलाता हूँ ट्विटर में हमारा हैंडल है बहुत सारे ऐसे केसेस में हमने अवेकनिंग फैलाई है और अवेकनिंग फैलाकर बहुत सारे केसेस में सफलता भी प्राप्त की है अन्नपूर्णानी एक आ रहा था उसमें भी की बीफ खाना राम जी ने कहा था कि बीफ खाओ इस प्रकार की उत्पटांग बातें थी नेटफ्लिक्स से हटाया बहुत सारे और अश्लील कंटेंट पे किया पर एक हमारे का नहीं है आप हमारे ट्विटर में हैंडल जम्स ऑफ बॉलीवुड को फॉलो कर सकते हैं हिंदू जन जागृति संघ मुंबई में इस अनुपम कार्यक्रम को करने में जिन्होंने हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाया आज से नहीं, इनसे पता नहीं कितने पंद्रह सोलह वर्षों से इनके साथ में घनिष्ठ संबंध है और कितने ही फिल्मों में इस प्रकार के आपत्तिजनक कंटेंट कितने ही व्यभिचार के इस प्रकार के कार्यक्रम जो होते हैं एंटरटेनमेंट के नाम पर उनके विरुद्ध इन्होंने निष्काम भाव से युद्ध किया लीगल बैटल्स लड़े विलनाइज होने के बाद में भी अनेक कठिनाइयों के बाद में भी इनके इस यज्ञ को नमन है बहुत बहुत स्तुति हमारे प्रेरणा का स्रोत है उदय माहौरकर जी जिन्होंने सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन बनाकर इसको एक रूप देने का प्रयास किया एक, एक फ्रेमवर्क देने का प्रयास किया और बड़ी क्रांति देश भर में लाई जगह जगह जाकर इन्होंने संवाद किए बहुत सारे इनके प्रेरणा से इन्होंने इन्होंने लॉ का एक लॉ लॉ लौक, प्रपोज लॉ का भी गठन किया रिसर्च भी किया कि किस प्रकार से निन्यानवे प्रतिशत बलात्कार के पीछे निन्यानबे प्रतिशत बलात्कार के पीछे ये गंदा कंटेंट होता है उदाहरण के रूप में टेड बंडी जो अमेरिका का सबसे गंदा सबसे बड़ा रेपिस्ट और सीरियल किलर था उसने कहा कि यह गंदा कंटेंट या 80 की की बात कर रहा हूं उसके कारण मैं पागल होता था तो ये, ये उन्होंने बहुत इस पर काम किया ड्राफ्ट किया लॉ एक लॉ का लॉ का उन्होंने कॉन्सेप्ट भी ड्राफ्ट किया व्हाइट पेपर बनाया रिसर्च किया जगह जगह जाकर अवेकनिंग फैला रहे हैं और आज उनकी कृपा से बहुत सारे गणमान्य लोग इस यज्ञ में हमारे साथ हैं आप भी इस यज्ञ का भाग बने इस मैसेज को इस ओ के विरुद्ध गंदगी को पागलपन को हर गली हर मोहल्ले हर परिवार तक ले जाए सबको इसके साथ जुड़ाए और एक अपने बच्चों के लिए सेव भारत का निर्माण करें रेप उनको ना बनाए कल के लिए वरना आज आपका मैं फिर से कह रहा हूं ये सस्ता इंटरटेनमेंट की आपकी हवस और विश्व का सबसे गंदा स्तर का एंटरटेनमेंट सबसे सड़क छाप टाइप का एंटरटेनमेंट है भारत की सो so कॉल्ड ये फिल्मी दुनिया और ये ओ जिसने हमारी इतनी सुंदर मनोरम संस्कृति को हमारे फोक ट्रेडिशंस को आर्ट को कल्चर को सर्वनाश कर दिया उनका सारा यश लूट गए तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इतनी तो ऊपर उठ गई लेकिन मराठी फिल्म इंडस्ट्री देखिए नहीं उठ पाई क्योंकि मराठी इंडस्ट्री का यश तो ये खा जाते हैं तो ये इनके इनके कुचक्र से निकले और जो बॉलीवुड में से भी लोग हैं उनसे भी मेरा विनम्र आग्रह है इस पाप की दुनिया से बाहर निकले और लंका को छोड़े राम के पास आए और अवेकनिंग फैलाएं हम सबके साथ मिलकर ये सामूहिक यज्ञ है हमारे बच्चों को बलात्कार का विक्टिम ना बनाए या कुछ बच्चों को बलात्कारी बनाना ही उनके लिए एनिमल बनाना ही उनके लिए गर्व का काम हो जाए मैं एनिमल हूँ बलात्कारी हूँ मैं स्त्रियों पे इस प्रकार से अत्याचार करता हूं मैं पागल हूँ मैं दारू पीता हूँ बे करता हूँ इस तरह के मूर्ख जाहिलों का निर्माण ना करें और इस यज्ञ में हम सब मिलकर साथ दे वरना भविष्य का सर्वनाश हो जाएगा राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो गई हम सब गर्व कर रहे हैं अभी तक गर्व कर रहे हैं पर अब राम की मर्यादा की प्राण प्रतिष्ठा करना अभी शेष है क्योंकि राम 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 केवल इसलिए है क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है मर्यादा के बिना राम नहीं है और राम हो तो मर्यादा ना हो ऐसा भी संभव नहीं है राम की प्राण प्रतिष्ठा वास्तव में तभी संपूर्ण होगी जब हम राम के मर्यादा की भी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम सब राम के भक्त राम को अपना आदर्श मानने वाले राम को अपना प्रभु भगवान मानने वाले राम की मर्यादा का प्रतिष्ठान करने के लिए राम की मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए आगे आएंगे राम की मर्यादा राम की मर्यादा की प्रतिष्ठा करना ही हमारा सर्वोच्च धर्म होगा ध्येय होगा जय श्री राम